हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वो चीज पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। रहेगा हश्र अब मेरी तुर्बत में उजाला। हर अच्छी बात दूसरे तक पहुंचाना भी सदका है। ज़कात है या सदका है, ये देना चाहिए। और सदका देने से मैंने अपने समेत बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलते हुए देखा है, ये एक हकीकत है। मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे होंठों पे जिक्रे मदीना। ये ऐसा महीना है इसमें आगे बढ़े और नेकियां छीने सबसे हाँ बेशक नेकियां छीने वाह मदीने में रोजा खुलने का वक्त देखे आप किस तरह लोग पीछे पीछे खाते करते हैं। इश्क है दिल गनी है, मेरी किस्मत है राश के सिकंदर। इंसान अपने ऊपर खुद जुल्म करता है। कुरान अहदीस की रोशनी के अंदर इंसान हर किस्म की बलाओं का खुद जामिन होता है। वो हमारे नबी उनके हम उम्मती। मुस्तफा जाने रहमत लाखों। अंधा है क्या? तुझसे सबर नहीं होता? तुझसे सबर नहीं होता है? बाइक क्या पहली बार निकाली है रोड पर? एक तो खुद गलती करता है, ऊपर से मुझको आराम दे रहा है। रोजे में दिमाग खराब मत कर वरना यही आज छोड़ दूंगा। ओए मुझे गुस्सा नहीं दिला, जान से मार दूंगा। अबे ओ अबे भाई, रोजे तो आप दोनों का खराब हो गया। गुस्सा हराम है, रोजा आपको सबर करना सिखाता है। और रोजा रखकर अगर आपने ये नहीं सीखा तो फिर रोजा रखने का फायदा क्या? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहादुर वो नहीं जो लोगों को जेर कर दे, बल्कि बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पे काबू रखे। कशफ दुजा बिजमाल ही हसुना जमीयो क़साल ही हसुना जमीयो क़साल ही हसुना जमीयो क़साल ही सल्लू अलैहि वाले ही सल्लू अलैहि वाले ही सल्लू कमाल ही कशफ तुजा बिजमाल ही हसुना जमीयो क़साल ही सल्लू अलैहि वाले ही सल्लू अलैहि वाले ही सल्लू अलैहि वाले ही। मैं बुरों से लाख बुरा सही,
रखना मेरे खुदा, मेरी लाज रखना मेरे खुदा, मेरी लाज रखना मेरे खुदा, ये तेरे हबीब की बात है। बलगल्लो लाबी कमाल ही कशफ तुजा भी जमाल ही असुना जमी उखसाल ही सल्लो अलैहि वालिही 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 बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने तुझे जमे खून से पैदा किया, पर तेरा रब बड़ा करम करने वाला है, जिसने कलम के ज़रिए तुझे इल्म सिखाया, इंसान को हर वो चीज़ सिखाई जिसे वो नहीं जानता था। इल्म की फजीलत जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पर ये आयत इसलिए नाजिल की क्योंकि ये इल्म से मुतालिक है। एक और जगह इरशाद है, अगर आपकी इजाज़त हो बिलाल भाई। अल्लाह का एहतराम वही लोग करते हैं जो इल्म रखते हैं, लेकिन आज का हमारा टॉपिक इल्म नहीं आलिम है। आखिर आलिम कौन है, आलिम की क्या तारीफ है, इनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, इन सब बातों पे आज हम बात करेंगे, जानेंगे बहुत कुछ। और बल्कि हम शुरू करते हैं, मैं अपने बहुत ही मोहतरम गेस्ट से मिलवाती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ बिलाल भाई जो हमेशा हमारा साथ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ मौजूद है मुफ्ती शरियार दाऊद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और मेरे साथ मौजूद है मौलाना फयाज हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सरवत आपा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से। अच्छा, लाहौर से हमारे साथ ताहिर शर्फी साहब हैं। जी बिल्कुल, आप प्लीज। ताहिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप बात कीजिएगा, पहले पहले आप कर लें फिर हम शुरू। ताहिर भाई, आज का जैसा कि मौजू आपके सामने है, जैसे कि मोमिल ने आपको इंट्रो में बताया, मैं आते हुए एक हदीस पढ़ रहा था जो कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जो है वो रावी हैं इस बात के, और ये आपके लिए इसलिए हदिया कर रहा हूँ क्योंकि आप अक्सर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को बहुत कोट भी करते हैं। आपने फरमाया कि जो असली इल्म है वो तीन चीज़ों में है। एक तो कुरान की आयात को वाज़े तौर पे, जो आयात वाज़े हैं उनको समझना, दूसरा दीन के मुकर्रर करदा तरीके पर चलना, और तीसरा जब मामलात आएँ तो उन पर इंसाफ के साथ ठहरना। ये इल्म की हदूद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि फरमा दी। लेकिन इन मामलात को सामने रखते हुए मेरा सवाल आपसे ये है कि आलिम की जो फजीलत है उस पर तो कोई दो राय हो नहीं सकती, ये तो पैगंबरों की जो एडवोकेसी है, ये तो उनकी नस्बतों को उनके जिसे मैं अगर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ अंग्रेज़ी का, मैं अदब के साथ कर रहा हूँ, ये सेल्समैनशिप है दीन की, ये फ्रंट फेस है, ये फ्रंट लाइन है हमारी मुजाहिदों की, इनकी फजीलत पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर सीने पे हाथ रख के, ये अकल से नहीं सीने पे हाथ रख के अगर ताहिर भाई आप कहिए, तो क्या हमारे उल्मा ने पिछले तकरीबन 70 सालों में अपना हक और अपना फ़र्ज जो है क्या वो पूरा किया? रहमान रहीम, मैं बिलाल भाई आपका और आपके साथ जितने दोस्त हैं और जो मेहमान मेज़बान सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन के लिए और तमाम दोस्तों के लिए। ये बड़ा ही अहम मौजू है जिस पर आपने तवज्जो दिलाई है। पहले तो बिलाल भाई जानना ये पड़ेगा कि जिनको हम आलिम या उलमा या जिनको हम दीन का जुम्मेदार कहते हैं या समझते हैं, क्या वो खुद दीन के इलम से वाकिफ हैं? हमारी बदकिस्मती ये है कि जो शख्स भी दाढ़ी रख ले, टोपी पहन ले और वो हुलिया उलमा वाला बना ले,
हम उसे आलिम समझना शुरू कर देते हैं और उसकी वजह यह है कि हम खुद दीन इस्लाम को पढ़ते नहीं हैं, कुरान और सुन्नत के करीब नहीं जाते हैं और ये समझते हैं कि ये काफ़ी है कि जुमे वाले दिन हम चले जाएंगे मस्जिद में या रमज़ान में हम जो है मस्जिदों में जाके पांच नमाजें पढ़ लेंगे, बस इससे हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। जिस दिन हमने दीन इस्लाम को समझना शुरू कर दिया और ये जान लिया कि ये कुरान और सुन्नत किसी मौलवी साहब की जागीर नहीं है, ये कुरान और सुन्नत किसी स्कॉलर की जागीर नहीं है, ये कुरान और सुन्नत कोई मौलवी के रूप में किसी बहरूपियों की जागीर नहीं है, बल्कि ये कुरान और सुन्नत पूरी उम्मत मुस्लिमा, बल्कि कुंतुम खैरा उम्मत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में तो कुफार भी आते हैं और अगर आप कुरान और सुन्नत से कुफार को मना कर दें कि वो ना पढ़ें और ना देखें तो वो दीन इस्लाम में कैसे आएंगे। तो मैं ये बात अर्ज करूंगा कि जो आज के मैं आपने 70 साल की बात की, 70 साल में उलमा ने बड़ी कोशिशें की हैं, बड़ी मेहनतें की हैं, लेकिन अगर मैं इन 10 सालों की बात करूं तो मुझे ये बात बड़ी ही माजरत के साथ कहनी पड़ेगी कि उलमा का रूप उन लोगों ने धार लिया है जिनका इलम से, दीन से, मजहब से कोई वास्ता नहीं है और वो लोग जो दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीन हैं, वो काल अल्लाह व काल रसूलुल्लाह पढ़ाने वाले वो बेचारे बैठे हैं अपनी दीन की खिदमत कर रहे हैं लेकिन ना कभी मीडिया की नज़र उन पर पड़ती है, ना कभी हुकूमतों की नज़र उन पर पड़ती है और वो खुद भी हालात के शिकार होकर मेरा ख्याल है ये इसी में अपनी आफियत समझते हैं कि जहाँ तक उनकी रसाई है वो दीन की तालीम देते रहे। इसलिए उलमाए हक को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, इसका जिम्मेदार मुआशरा भी है, इसका जिम्मेदार वो तबका भी है कि जिस तबके ने आज दीन के नाम पर मुआशरे को यरगमाल बना लिया है और वो जो सही अंदाज से, मैं ये आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सूरत फातिहा का तर्जमा भी नहीं सुना सकते, वो मुफस्सर कुरान हमें नजर आते हैं तो फिर क्या होगा, फिर यही कुछ होगा जो हो रहा है आज। हजरत आपकी बात बड़ी बड़ी वाज़े तौर पे आपने अपना जो रद्द अमल है वो पेश किया और मैं आपकी बात से ना सिर्फ के मुत्तफिक बल्कि बड़ी संजीदगी से आपकी बात को लेते हुए अपने इन उलमाए कराम की तरफ भी यही सवाल रखता हूँ कि हजरत आप भी क्या इस बात से मुत्तफिक हैं या आपकी इस पर क्या राय है कि इतने समय जो हमारे उलमा है क्या उन्होंने वही बात की जो कि उनका मकाम था। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब की बात को मैं बिल्कुल इंडोर्स करूंगा। बदकिस्मती हमारी यही रही है कि हमने डिफरेंशिएट सही नहीं किया, हर दाढ़ी अमामे जुब्बे कुब्बे वाला आलिम नहीं होता। सर कोई दाढ़ी अमामे और जुब्बे वाला ऐसा है जो कहता है कि मैं आलिम नहीं हूँ? अब मैं इसमें कुछ बातें ऐसी अर्ज करूंगा। सर 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 अपने आप को नहीं कहा कि को मैं इस बात पे फख्र करता हूं कि मैं हाफ़िज़े कुरान हूं और दीन का तालिबे इल्म हूं। तो इस तरह के लाखों लोग मौजूद हैं कि जो अपने साथ अल्लामा फामा नहीं लिखाना चाहते, तो इसलिए मिसालें मौजूद हैं। मौलाना साहब मैं एक सवाल मैं भी करना चाहूंगी आपसे कि आप मुझे बता सकते हैं कि फिर आलिम की तारीफ क्या है, आलिम है कौन? आलिम की तारीफ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि अल उलमा वरासतुल अंबिया, कि उलमा नबी अंबिया के वारिस हैं, जिसमें आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया की सीरत पे चलते हुए आसार नजर आए उसे आप आलिम समझ लें और जो सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटा हुआ नजर आए उसे आप जाहिल समझ लें। हमने ताहिर भाई ये भी तो किया ना, हमने सीरत को भी तो हिस्सों और खानों में तकसीम कर दिया ना कि आपने एक सीरत जो है उसको अडॉप्ट कर लिया, मैंने दूसरी को कर लिया, किसी शख्स ने तीसरी को कर लिया, फिर मैं जो है वो पहले वाले के ऊपर फतवा भी लगा देता हूँ कि क्योंकि तुम इस सीरत पे चल रहे हो जो कि मेरी सीरत नहीं है, जो मेरी समझ के मुताबिक सीरत नहीं है, इसलिए तुम जो हो वो इस्लाम के दायरे से खारिज हो। ये मामला इतना सादा है वाकई जितना फरमा रहे हैं?
इतना सादा है, आप एक शख्स को देखिए क्या वो सच बोलता है। इस पे तो ना मेरा इख्तलाफ होगा, ना किसी मालकी का, ना हम्बली का, ना शाफी का, ना जावरी का, कि सच जो है वही निजात का रास्ता है और वही सीरत मुस्तफा है। आप देखिए कि वो दीन का तालिब इल्म कहलाता है, या अगर आप उसके नाम के साथ अल्लामा फहामा जकामा नहीं लिखते तो उसका रद्द अमल क्या होता है, उससे आपको पता चल जाएगा। आपकी बात बिल्कुल बजा, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान पे ना हिटलर का वो जो कॉल था ना वो सच है। हिटलर कहता था कि अगर एक झूठ को 100 दफा बोला जाए तो वो भी सच हो जाता है। हमने गलत बात को इतनी दफा कहा है पिछले 60-70 सालों में कि अब हमें सच और झूठ में वाकई तकसीम मुश्किल होगी। बिलाल भाई, आम इंसान किस तरह इस चीज को डिफरेंशिएट कर सकेगा? अपने जुमला मुकम्मल सुनिए। अब हमारे यहाँ होता यही है कि जुबे वाला हम अपना इमाम रख लेते हैं मस्जिद में। सबसे पहले आप ये देखें कि हमारी मसाजिद के अंदर इंतज़ामिया कौन है, जो इलाके का, वेरी सॉरी टू से, विद ड्यू रिस्पेक्ट, इलाके का जो सबसे मालदार आदमी होता है, जिसकी आमदनी का जायज़ या नाजायज़ ज़राए किस तरह है इसका कोई नहीं पूछता, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट करता है मस्जिद को, वो ताहया सदर बना दिया जाता है, फिर उसके साथ एक खजांची बना दिया जाता है। आपकी बात बिल्कुल बचा, लेकिन इंतहाई अदब के साथ अगर मदरसे में मैं 1 अरब रुपया लेके जाऊं और मैं कहूं कि मेरी तरफ से इस मदरसे को इस रमजान में हदीया है, तो मदरसे वाले भी मुझसे नहीं पूछेंगे कि आपने रेस से जीता है? मैं आ रहा हूं सर, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। तो मेरे उस पैसे से तो उलमा भी बनते हैं। बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ। अगर आप इजाजत हो एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, बस छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं और फिर वापस आके मौलाना साहब से बात करेंगे, उनसे इसी सवाल का जवाब हासिल करेंगे। आप लोग कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक। रमजान मुबारक। बहुत दिनों से बात हो रही है कि हमारे यहाँ इस वक्त पाकिस्तान में उल्मा का किरदार क्या है, इस पर बड़ी ही वाज़ह राय जो है वो ताहिर शफी भाई ने अपनी लाहौर से दी। हमारे यहाँ यहाँ भी उल्मा मौजूद हैं और इंतहाई एक मजहबी स्कॉलर होना जो है ना, ये एक बड़ी ही अच्छी रवायत है, जो कि शेर यार दाऊद साहब ने मुझे ब्रेक में बताया कि एक मजहबी स्कॉलर हैं, जिसके ऊपर के मेरा बड़ा ही दिल खुश हुआ जो आपने कहा कि मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं एक मजहबी स्कॉलर हूँ। लेकिन दो तब्दीलियाँ, दो मसाले जो है ना हमारे सामने हजरात इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, जिसकी वजह से मुल्कों ने बहुत ज़्यादा तरक्की पाई। एक मलेशिया को देखिए अगर, तो मलेशिया ने जब तरक्की की तो उन्होंने दीन का एक ख़ास रंग जो है ख़ास तरीके से तब्दील किया। इसके बाद एक तुर्की की मसाल हमें मिलती है, मैं उसमें से बुरी वाली मसाल नहीं देना चाहता कि वहाँ पर हाकिमों ने उलमा के साथ क्या किरदार अदा किया, लेकिन आज तुर्की के अंदर जो उसका एक दुनिया में किरदार है वो अपनी जगह, लेकिन 95% ख़वातीन, और ये मेरी देखी हुई बात है, स्वाइट टैक्सिम स्केयर के बाकी सारा तुर्की जो है ईस्ट साइड की तरफ का वो हिजाब लेता है। इतना प्रोग्रेसिव रिलीजन अगर वहाँ पे डेवलप हुआ तो वहाँ पे स्टेट ने मुफ्तियों को कंट्रोल किया और दीन को एक ख़ास डायरेक्शन दी। हज़रत आप फरमा रहे थे कि जो उल्मा है उनका किरदार जो है और उनका जो फरीज़ा है वो माशरे में कैसे नज़र आएगा? देखिए, मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब हम मस्जिद में कोई इमाम अपॉइंट करते हैं, अपॉइंट करने वाला कौन होता है? क्या वो खुद हाफिज़ होता है, कारी होता है, आलिम होता है? नहीं होता। उसको तो एक इंतहाई सस्ता तरीन 24 घंटे का मुलाजिम चाहिए, जो एक मिनट भी जमात से देर ना करे। 24 घंटे का मैक्सिमम उसको वो 12-15-20 हज़ार रुपये, बहुत अच्छा कोई आलिम दीन, बहुत अच्छा बोलने वाला है, इसकी उसको वो उसकी औकात होती है बेचारे की, उसको वो देते हैं इतनी सैलरी, और फिर उससे वो तवक्को ये करते हैं कि जी हमारे यहाँ हमारी मस्जिद को बेहतरीन किस्म का एक आलिम मुयस्सर हो, जो हमारे नमाजियों को बेहतरीन दर्स भी दें, बेहतरीन जुम्मे का खिताब भी करें। ठीक है, ये सब एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल में, मेरी जाती राय में, मैं बड़े अदब से आपकी इजाज़त से बात कर रहा हूँ, हमारी राय में मस्जिद तो इंतशार फैला ही नहीं रही। इंतशार तो वो शख्सियतें हैं जिनको कि हम उलमा कहते हैं, मेम्बर तो इस वक्त खामोश हैं। मैं जुमा पढ़ने जाता हूँ, वो साहब आते हैं हमारे घर में, न्याज भी पढ़ जाते हैं,
वो जनाजे भी पढ़ते हैं, अजाने भी दे देते हैं, उनके लिए तो सर आंखों के ताज है वो, उन पर हमें कोई तराज नहीं है। हमारा मेरा इस वक्त जो इशू ये है कि मिसाल के तौर पे अदब से मिसाल दे रहा हूँ, मौलाना मदूदी से हो सकता है आपका कोई नज़रियाती इख्तलाफ हो, लेकिन उनका जब भी पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी तो उनका एक बहुत बड़ा आलिमाना किरदार होगा, सियासी किरदार होगा, एक होगा, एक नज़रिया होगा। लेकिन उनके जाने के बाद शायद डॉक्टर इसरार अहमद की मिसाल दी जा सके या ना दी जा सके, लेकिन उसके बाद इल्मी काम कहाँ पे नज़र आता है, हमारे कौन से वो उलमा हैं, हमारे कौन से वो मुफ्ती साहिबान हैं, वो हमारे कौन से दीनी मदारिस हैं जिन्होंने वाकई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पाकिस्तान के पाँव जो हैं वो ज़मीन पर जमा दिए हैं। सर रिसर्च तो आपके पास हुई ही नहीं, तो आपके पास हुई नहीं, हमारे देख अभी जो जो मौजूदा जिसे हम अहद हाजिर की या असर हाजिर की तालीम कहते हैं या जिसे हम मॉडर्न एजुकेशन कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ आप एक तबका उठा करके देख लो उलमा का, आपके पास उलमा मॉडर्न एजुकेशन से नाबलद मिलेंगे आपको, वो आपके साइंस क्यों सर, उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको, इसलिए कि जब हम आज मैं अपने बेटे के लिए सोचता हूँ कि यार मैं उसको क्या आलिम बनाऊँ, क्योंकि मुझे उसको आगे कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा सर, स्कोप उसका फ्यूचर नजर नहीं आ रहा एक हजरत चीज़। इतना स्कोप है कि आप सोच नहीं सकते, अब हो म्यूजिक छोड़ के नात पढ़ने में आ रहे हैं सर, अब हुआ पैसे ज्यादा है सर, ये अब हुआ है जब से ये मीडिया आजाद हुआ है, जब से ये थोड़े चैनल्स आ गए हैं, अब मुझे भी खुशी हो रही है ना, ये कैरियर है, अब तो कैरियर बन रहा है, अब तो एक हाफिज कुरान एक नाथ खान बेहतरीन नमामा दुपट्टा बांध करके जो भी है वो आ जाता है, इसलिए उसको पता है मुझे इसका रिस्पांस मिल जाना है, मुझे कुछ ना कुछ रिपे मिलेगा। लेकिन पीछे आप चले जाते रहे 10 साल पहले जब ये चैनल्स नहीं थे, इससे पहले कौन अपने बच्चों को हाफिज बनाता था, कौन अपने बच्चों को आलिम बनाता था, इसलिए कि उसको कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा था कि मेरा बच्चा सर्वाइव कैसे करेगा सोसाइटी में। आपकी बात सर आंखों पे, लेकिन मैं बिल्कुल मुख्तलिफ रवैया रखता हूँ, मेरे ख्याल में पहले जो 10 साल पहले 20 साल पहले देखें तो मेरी अपनी जाती क्लास में कॉलेज में यूनिवर्सिटी में हाफिजा होते थे, हाफिज होते थे, अब किसी को ताने के तौर पे कहा जाता है कि तू हाफिज ना बन के दिखा, मैंने अब वो तंज बन गई है हजरत। जो अलावा साहब जो इस वक्त मदारिस हैं, क्या किसी ने किसी मदरसे को रोका कि आप अपनी तालीम को बेहतर ना करें? एक 5 मरले के घर में जो आज से 10 साल पहले एक स्कूल खुला था, आज वो यूनिवर्सिटी बन गई है और लाखों तालिब इल्मों को तालीम देती है, मेडिसिन की भी, इंजीनियरिंग की, लेकिन जो 1947 में मदरसा था लाहौर में वो आज भी उसी जगह मदरसा है, लेकिन उसके फंड जो है वो मल्टीप्लाई हो चुके हैं। किसने रोका उल्मा को कि वो अपनी तालीम या तदरीस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना करें या डेवलप ना हो, किसने रोका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, हम अगर असल सवाल की तरफ आएँ जो आपने स्टार्ट किया है, उलमा की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, अगर हम कुरान की तरफ जाएं, आदीसे मुबारका की तरफ जाएं, हमें उलमा की ज़िम्मेदारियों से पहले उलमा की शनाख्त ज़रूरी है। दुरुस्त। शनाख्त के बग़ैर हम पहचान नहीं पाएंगे। दुरुस्त। वही फिर एतराज़ात, वही मुश्किलात जो आम कारी के जहन में भी हैं, आपके जहन में भी हैं। कुरान ने उलमा की क्या तारीफ़ बयान की है? इन्नमा यक्षल्लाह मिन इबादही अल उलमा, अल्लाह के बंदों में से फ़कत उलमा ही हैं जो मकाम खशियत पर हैं। ये कुरान ने आलिम की तारीफ़ की है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया, आलिम कौन है? कसदका कौलहू फ़िलहू, जिसके कौल को, जिसकी बात को उसका किरदार साबित करे। वो कह रहा है लेकिन अगर उसका किरदार उसकी गुफ्तार को साबित नहीं करता तो वो बराए नाम तो आलिम हो सकता है, इल्म हो सकता है उसके पास। देखिए यहाँ पे एक और फ़र्क ज़रूरी है, इल्म और मालूमात हम बहुत जगह मिक्स करते हैं, इल्म को मालूमात के साथ। हमारे पास मालूमात वाले बहुत हैं, आलिम कौन है? आलिम अपने किरदार से पहचाना जाता है मुआशरे सर। वो क्या किरदार के अंदर होगा जो मैं देखूंगा उसके किरदार में? किरदार उसका ये है कि उलमा मुआशरे में अम्र बिल मारूफ नहीं अल मुनकर का एहया करते हैं, जो उलमा का असली फरीजा है। उलमा का असली फरीजा ज़मीन पे फैलाएं, असली फरीजा उनका यह है कि पहले वो खुद दीन की शनाख्त पैदा करें, दीन को
असली मनाब कुरान सुन्नत जो असली दीन, इसके ऊपर तो किसी को कोई इतराज नहीं, जो आप रहे हैं। आप उसी तरफ आ रहे हो। आलिम अगर आपने पहचानना है, आलिम वो है जो हर जगह हक बात कहने की जुर्रत रखता है। आज हम यहाँ बैठे हैं, मैं माजरत के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूँ, ये माह मुबारक का प्रोग्राम है। आलिम की ये जिम्मेदारी है कि वो इस बात को पॉइंट आउट करे कि माह मुबारक के प्रोग्रामों में अल्लाह के नाम पर हम क्या करते हैं। हाफ स्लीव्स पहनकर एक खातून माह मुबारक का तारुफ़ कराती है, ठीक है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है कि कम अज़ कम आप अल्लाह के नाम पे जो काम कर रही हैं उसको तो इतना हुलिया कर लें कि कम अज़ कम आपको देखने वाला देखकर खुदा, आप माह मुबारक है, अच्छाइयों का महीना है, अतामुरुन अन्नास बिलबिर्र व तंसौन अन्फुसकुम, क्या लोगों को भलाइयों का हुक्म देते हो खुद को भूल जाते हो कि खुद क्या हैं। आलिम हमेशा मुआशरे में जुर्रतमंदाना इकदाम रखता है। अमीर अलैहिस्सलाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स अपने आप को लोगों का इमाम बनाना चाहता है, यानी उनको गाइड करना चाहता है, उनको लीड करना चाहता है, फलयब्दअ बिनफ्से, वो पहले अपने नफ्स से शुरू करें, अपनी तहजीब करें, अपना अखलाक संवारें। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने एक सहाबी को फरमाया कि तुम जाओ कून दुआतन नास बगैर अलसनतकुम, लोगों को बुलाओ दीन की तरफ हज़रत, लेकिन बोलना नहीं। मुझे ये कैसे पता चलेगा कि कोई ऐसा आलिम जो मेरे सामने बैठा है उसने अपने नफ्स का तज़किया किया या नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? देखिए, तज़किया कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो छुप के रह जाए, ये ज़रूर बातनी चीज़ है, लेकिन ये वो बातनी चीज़ है जिसको छुपाया नहीं जा सकता। हज़रत आपकी बात बिल्कुल बजा, मैं वक्फे पे जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहन आपकी तरफ भी ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, हज़रत आपके आगे भी सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। ये सारी गुफ्तगू जो है ना, ये मेरे ख्याल में जब से मैं 5 साल का था ना तब से मैं सुन रहा हूँ कि उल्मा की ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए और उनका ये मकाम है, बनी इसराइल के उल्मा को कुरान ने वाज़े किया। उन 5 सालों को निकाल दीजिए, 65 साल और हो गए इस पाकिस्तान में, हम आज तक अच्छे उल्मा को अलग से सेटिस्फाई जस्टिफाई क्यों नहीं कर पाए? ये आपकी मुश्किल है, आलिम की मुश्किल नहीं है। आप बाज़ार में जाकर अगर सही कपड़े की शनाख्त नहीं करते तो कपड़ा बेचने वाले का कसूर नहीं है, अगर वो आपको धोखा मतलब देता है तो आपकी आँख में से, आपकी बात से ये मकसद हुआ कि आलिम को पता है कि मैं आलिम हूँ, बाकी लोगों को नहीं पता कि वो आलिम है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। अगर कोई आवाम धोखे में आती है तो उनका भी कुछ फरीजा है, उनका भी कुछ काम है कि वो जाएँ, उलमा पहचाने जाते हैं। कभी आलिम, आपने खुद फरमाया कि आलिम कैसे छुप सकते हैं, आलिम आलिम का किरदार, वो मुआशरे का इंसान नहीं है, वो मुआशरे में नहीं रहता है, उसका कोर। सर मैं वापस आके आपसे ये पूछूंगा कि मुझे एक पहचान बताइए जो कि बाकी 20 करोड़ लोग जो हैं वो आलिम को आइंदा देखें और वो पहचान ले। छोटा सा वक्फा लूंगा, बड़ी इजाज़त से वापस आता हूँ, बात करता हूँ खातिन हज़रात इसी मौजू पर, और अगर आप हमें कॉल करें और आप भी कोई सवाल करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। शरीफ में हदीस है जिसको कि मैंने जब पढ़ा तो मुझे वाकई हौसला हुआ, तसल्ली भी हुई। हज़रत हदीयतन हज़रत उमर ख़ताब जो है उन्होंने तलावत सुनी एक सहाबी की और आपने बड़ा गुस्सा किया उस पर कि तुम्हारा लहजा जो है वो दुरुस्त नहीं है, तो आप उस सहाबी को लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ले गए और शिकायत की कि इसका लहजा देखिए कुरान पढ़ने का कितना गलत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा तो मुझे तलावत सुनाओ, उन्होंने सुनी, फिर उन्होंने हज़रत उमर ख़ताब से पूछा कि उमर तुम सुनाओ तुम किसको सही समझते हो। हज़रत उमर ने भी तलावत सुना और दोनों के लहजे में बहुत फ़र्क था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं उमर कुरान 7 लहजों में उतरा है, ये भी ठीक पढ़ रहा है और तुम भी ठीक पढ़ रहे हो। ये मैं बात इसलिए ख़ुद नज़रत आपसे शेयर कर रहा हूँ कि बहुत सी जगहों पर, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और लाहौर के रहने वाले लोगों के साथ एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि वो ज़िंदगी में सर के बल भी खड़े हो जाएँ तो रे और रे के अंदर फ़र्क करना उनके लिए क़यामत बरपा होने के बराबर होता है। मैं एक जगह पे एक बयान में था तो एक हज़रत खड़े हुए, मैं हज़रत ही कह सकता हूँ अदब के साथ,
उन्होंने कहा हजूर आप बिल्कुल बयान नहीं फरमाएंगे, आप तो कलमा दोबारा पढ़िए। मैंने कहा हजरत क्या हो गया? कहा एक हदीस मैंने सुनाई जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा कि आपने इल्लल्लाह पढ़ा है, ये इल्लल्लाह है। मैंने कहा हजरत आप बता रहे हैं मुझे फिर भी नहीं फ़र्क पता चल रहा कि ये क्या है। मेरे लहजे को इसलिए माफ़ कर दीजिए कि अल्लाह ताला ने कहा कि जो अटक अटक के पढ़ता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसको पढ़ने का भी सवाब है, अटकने भी का भी। उन्होंने कहा नहीं, ये हदीस जो है ये उन लोगों के ऊपर जो है जो तोतले होते हैं। ये इतनी सख्ती का जो मजाज हम इख्तियार करते हैं और गुंजाइश नहीं देते, इससे एक दिलों में थोड़ी सी गुंजाइश पैदा होती है। ताहिर भाई मैं आपकी तरफ, अगर आप मुझे एक लम्हा दीजिए, आपने बड़ी अच्छी और बड़ी वाज़े और दो टोक बात बताई, लेकिन मैं आप ही की बात को आप ही की तरफ दोबारा सवाल बना के लौटा रहा हूँ। ये फरमाइए कि जब हम ये कहते हैं ना कि ये उलमा हक हैं और ये उलमा सू हैं, तो दोनों सू और हक के साथ उलमा का लफ्ज़ हम खुद लगाते हैं। अगर वो हैं सू तो उनके साथ उलमा का नाम हम क्यों लगाते हैं? पहली ये मुझे बात फरमाइए। दूसरी बात कि अगर हम वाकई उलमाए हक हैं और पाकिस्तान में बेशक हैं, तो ये जो इत्तेहाद मुस्लिमीन है इसके ऊपर जितने अरबों रुपए कॉन्फ्रेंसों पे ईरान में, अमेरिका में, बरतानिया में, इराक में, मलेशिया में खर्च हो रहे हैं और हमारे यहाँ से भी टीमें जा रही हैं, इसके बावजूद हमारे तो उलमाए हक जो हैं वो भी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हमने अपनी कम अज़ कम तबई उम्र में नहीं देखे। तो ये कौन से वो उलमाए हक हैं जिनसे हम उम्मीद रखें कि इत्तेहाद मुस्लिमीन जो है कम अज़ कम हमारी ज़िंदगी में वो यही बरपा कर दें? देखिए बिला, आपके इस सवाल का जवाब दे दूं कि जो उलमाए सू कहा जाता है वो इसलिए कहा जाता है कि लोग उन्हें भी आलिम समझ रहे होते हैं, उन्होंने भी जुब्बा कुब्बा दस्तार आलिम वाली पहनी होती है, तो वो लोगों के इलम के लिए कि ये जो है ये इसका हक से ताल्लुक कोई नहीं है, इसका बातिल से ताल्लुक है, ये सू कबीले से ताल्लुक रखता है। और दूसरी बात जो आपने कही कि इत्तेहाद बैनल मुस्लिमीन या इत्तेहाद बैनल मसालिक और बैनल मजाहिद मुकालमे की जो बात है, तो मैं आज आपसे अर्ज करूं कि ये पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में अब एक कारोबार बन गया है। अगर पाकिस्तान में आप उन एनजीओज की तादाद गिननी शुरू करें जो बैनल मजाहिद मुकालमा या बैनल मजाहिद हमांगी की बात करते हैं तो वो हजारों में है, लेकिन आपको कहीं नजर नहीं आएगा मां सवाए इसके कि चंद अंग्रेजी रिसालों में या चंद अंग्रेजी रिपोर्टों में वो नजर आएंगे कि बड़ा काम हो रहा है। इसी तरह इत्तेहाद बैनल मुस्लिमीन की बातें करते हुए भी लोग, लेकिन मैं आपके सामने मिसाल हूं कि हमने हर मौके के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह उलमा जमा हुए हैं, उलमा बैठे हैं और मामलात को हल किया है। ये नहीं है कि उलमा खत्म हो गए हैं या दीन के तालिब इल्म खत्म हो गए हैं। अभी जो मौलाना बात कर रहे थे तो मैं सिर्फ एक छोटी सी अर्ज करूंगा कि कॉल और फेल का तजाद जो खत्म हो जाएगा, और जिस शख्स में आपको कॉल और फेल का तजाद नहीं नजर आएगा उसका ताल्लुक दीन के इल्म से होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत की तरफ रिसालत की तरफ दावत दी तो क्या कहा कि तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? तो क्या कहा सबने कि आप सादिक और अमीन हैं, आपने पहले अपना किरदार दिखाया है। आज बदकिस्मती ये है कि मैं जब कमरे की तन्हाई में बैठता हूं तो मैं कुछ और होता हूं, और जब मैं टीवी पे आता हूं तो मैं कुछ और होता हूं, और जब मैं अपने मुरीदीन के साथ या अपने तबके में वापस जाता हूं तो कुछ और होता हूं। ये रवैया हमें आपकी बात जो है ना ताहिर भाई, आपने बात इतनी ज्यादा वाज़ह और खोल के कर दी कि यकीन कीजिए कि अब दिल के अंदर ना कोई सवाल है ना कोई ख्वाहिश है। मैं अदबन ये बात आपसे कह रहा हूँ कि देखिए, जहाँ भी मुसलमान नहीं है या दीन जहाँ पे डोमिनेंट नहीं है, मुफ्ती साहिबान या उलमा या मौलवी साहिबान नहीं, वहाँ उस मुल्क में अमन ही अमन है, चैन ही चैन है। हर वो जगह जहाँ पे मुसलमान बैठे हुए हैं आज दुनिया में, कोई एक मुल्क का नाम लीजिए जहाँ पे के फितना नहीं है, वो आप साउथ ले लीजिए, वेस्ट ले लीजिए, ईस्ट ले लीजिए, हर जगह मुसलमान इस वक्त अपनी वजह से, किसी ना किसी वजह से, चाहे हम कहें कि हम बाहर की फोर्स की
वजह से बिके, चाहे अंदरूनी वजूहात की वजह से बिके, जिस भी वजह से, लेकिन इंतशार जो मुसलमानों में इस वक्त या दीनी लोगों में इस वक्त है, इससे पहले ये कोई ख्वाब में नहीं सोच सकता था कि सीरिया में भी उसी तरह का फितना बरपा हो जिस तरह इराक में है, इराक में भी उसी तरह का फितना बरपा हो जिस तरह लबनान में है, लबनान में भी उसी तरह का फितना हो जिस तरह के कश्मीर में है, और सारी जगहों पे वैसा फितना हो जैसा कि आज पाकिस्तान जिस दहशतगर्दी का शिकार है। हुजूर, यहाँ पे एक कॉमन डिनोमिनेटर है, कॉमन डिनोमिनेटर है, और वो है मजहब और मजहबी लोग। इसके ऊपर खुदा के वास्ते दो जुमले सच्चे सच्चे फरमाइए ताकि ये दिल जो है ना जितना फ्रस्ट्रेटेड, इसको कोई तो तस्कीन मिले। जी ताहिर भाई, ताहिर भाई का कनेक्शन, ताहिर भाई लाइन पर हैं, लाइन कट गई है। हजरत, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आता हूँ। हजरत आप भी इब्तिदा फरमाइए, आप भी फरमाइए। इंतशार उलमा की वजह से आपके सवाल का मैं जो मफहूम समझा ये हुआ कि जहाँ उलमा नहीं है वहाँ अमन है, दीन कह लीजिए, मजहब कह लीजिए, वहाँ अमन है। उलमा कह लीजिए, उलमा या दीन के अलम बरदार हैं, वहाँ अमन नहीं है। आपकी बात की मैं किसी हद तक तस्दीक तो ज़रूर करूँगा, लेकिन मुतलकन सारी नहीं, क्योंकि जो उलमा तहकीक की तरफ गए हैं, जो उलमा वसीउल नज़र हैं, वसीउल क़ल्ब हैं, जो ये नहीं कहते कि जी इसके पीछे मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा तो उसके पीछे मैं नमाज नहीं होती, जो ये बातें नहीं करते, जो मक्के मदीने में भाग भाग कर वहाँ के आइम्मा किराम के पीछे नमाजें पढ़ते हैं, जिनके क़ल्ब वसी हैं, उनको तो मैं उस ज़ुमरे में नहीं शामिल। ठीक ठीक ठीक, लेकिन यहाँ बदकिस्मती से, वेरी सॉरी टू से, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपको अपनी ये मिसाल दे दीजिए। मैंने एक जगह प्रोग्राम किया सिगरेट के बारे में, मैंने कहा कि सिगरेट को मैंने अपने लिए हराम कर लिया है, क्योंकि मैंने बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफिकुन अलैह एक हदीस मुबारक पढ़ी है, जो तीन वो दूसरी हदीसों से मुख्तलिफ है कि जिसमें हुज़ूर ने फरमाया जिसने अपनी जान को कत्ल किया तो वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। एक और हदीस है जिसके बारे में हुज़ूर ने फरमाया जो अपने पास एक जहर रखता है और उसको थोड़ा थोड़ा खाता है यहाँ तक कि वो हलाक हो जाता है, अब वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा, कभी जन्नत में नहीं जाएगा। मैंने उसे सिगरेट पर भी महमूल किया, मैंने उसे गुटके पर भी महमूल किया, मैंने उसे सारे नशों के ऊपर मामूल किया। मेरे उस्ताद का मुझे फोन आ गया कि तू इतना बड़ा मुफ्ती हो गया कि आज सिगरेट पान गुटके को तू हराम कह रहा है। मैंने कहा उस्ताद जी आप पूरा प्रोग्राम देख लें, मैंने इसको मुतलकन हराम नहीं कहा, क्यों मुतलकन हराम करने के लिए शरीयत ने कुछ पैमाने मुकर्रर किए, लेकिन मैंने ये काम मेरी जात तक मैंने हराम किया। मेरा सवाल भी मेरे उस्ताद साहब से ये था कि हजरत आज 400 साल हो चुके इस बात को, हुक्का मुबाह था, आज क्या दुनिया को नहीं पता कि सिगरेट से हलाकत होती है, इसको मुबाह के जुमरे से निकाल दिया। वक्फे पे जाना है, बड़ा ही जरूरी, लेकिन मेरा एक सवाल आपके पास आएगा, मैं एक 30 सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं ताहिर भाई से बात कर लूं। ताहिर भाई आप कुछ फरमा रहे थे। लाल भाई आपका प्रोग्राम करोड़ों रोड़ों लोग देख रहे हैं, मैं इस मौजू से हट के एक अपील करना चाहता हूँ कि वो लोग जो 60-60 हजार रुपया, 70-70 हजार रुपया रिश्वत देकर उम्रे के वीजे लेने के लिए धक्के खा रहे हैं, खुदा का वास्ता है वो उन नकल मकानी करने वाले अपने भाइयों को जो वजीरिस्तान से निकल के बेसरो सामान पड़े हुए हैं, ये पैसा उनको दें, अल्लाह उनको मेरा ख्याल है उम्रे से कहीं ज्यादा जो है अजर देगा। रिश्वत दे के उम्रे का वीजा लेना और फिर उम्रे पे जाना, ये मेरा नहीं ख्याल है, ताहिर भाई नहीं ख्याल है कि ये कहीं पे ताहिर भाई काम होगा। ताहिर भाई मैं तो आपका सिर्फ शुक्रिया ही अदा कर रहा हूँ आपकी इस गुफ्तगू के बाद, क्योंकि मैं आपको सिर्फ अदबन ये कह रहा हूँ कि आप कब्रिस्तान में खड़े होके पता नहीं किन को सदा दे रहे हैं, ये मैं क्या कहूँ। एक वक्फे में जाइए फिर वापस आप करते हैं। रहीम, अब मैं बात करना चाहूँगी सर सरवत आपसे भी, और आपका भी राय हम जानना चाहेंगे। आप बताएं कि
आपके लिहाज से क्या उल्मा वाकई नाकाम है या ये हमारा नज़रिया है? सबसे मैं काफ़ी देर से अपने बुज़ुर्ग उलमाए किराम की गुफ्तगू सुन रही हूँ और नाज़रीन भी इस गुफ्तगू में शरीक हो सकते हैं। सबसे पहले हमें इल्म को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, इसलिए कि अगर इल्म को समझ लिया जाता तो आलिम के ऊपर आज इस कदर बहस और तकरार की ज़रूरत ना होती। तो मैं बड़े अदब के साथ ये अर्ज़ करना चाहती हूँ कि इल्म करता है ज़माने में खुमैनी पैदा, जहर इंसान को सद्दाम बना देता है। याद रखिएगा कि जहाँ पर इल्म होगा वहाँ पर आजिज़ी होगी, वहाँ पर इनकिसारी होगी, जहाँ पर जहर होगा वहाँ पर ज़िद होगी, बहस होगी, तकरार होगी, सरकशी होगी, खुदसरी होगी। तो जब तख्लीक़े इंसानियत पर, तख्लीक़े कायनात की मंजिल पर हमें इल्म का तस्करा मिलता है, इबादत गुजार पीछे रह गए, इल्म और आलिम आगे बढ़ गया, इन्नी आलमो माला तालमून जैसी सनद हमारे पास मौजूद है। मुफ्ती साहब ने फरमाया, कहा कि दीनी उलूम और दुनियावी उलूम पर जैसा कि आपने बात की, मैं चंद जुमले यहाँ पर अर्ज़ करना चाहती हूँ कि गलती हमारी है, इसलिए कि हमने क्लासिफाइड कर दिया है, क्लासिफिकेशन कर दी है, ये दीनी उलूम है, ये दुनियावी उलूम है। मज़हब कहीं पे दीन और दुनिया में तफरीक पैदा नहीं करता, इसलिए पैदा नहीं करता कि मुझे याद आती है वो मंजिल के जब मदीना नबवी में हिशाम बिन अब्दुल मलिक आया, जाहिर बादशाह था, दौलत दुनिया लेकर आया था, बड़े ख़जाने लेकर आया था, पूरे अहल मदीना लोग पहुँचे मिलने के लिए और बड़े लोगों को बख्शिशें भी मिली, नजराने भी मिले, जब लोग दुनिया आती रही मिलने के लिए। लेकिन बादशाह को भी इंतज़ार उसका था जो कि वारिस रसूल था, जो हुज्जत खुदा था। उसने जब पूरा दिन गुजर गया तो उसने लोगों से पूछा कि इमाम मोहम्मद बाकर क्यों नहीं आए, कहाँ हैं वो? लोगों ने कहा, जनाब वो कहाँ हो सकते हैं, वो मस्जिद नबवी में होंगे, उनका काम दरस तदरीस देना है और वो वाज और नसीहत कर रहे होंगे वहाँ पर। कहा कि अच्छा वो नहीं आए मिलने के लिए, तो कोई बात नहीं, हम जाते हैं और हम जाकर उनसे मुलाकात कर लेते हैं। अब आया बादशाह और जब वो मस्जिद नबवी में कदम रखता है तो वो एक सुतून से टेक लगाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम दर्स दे रहे हैं और उनके सामने सैकड़ों तलबा इन बैठे हुए हैं जो कि जानवी अदब को तह किए हुए उनकी गुफ्तगू को सुन रहे हैं। ये सुनता रहा काफ़ी देर तक सुनता रहा, मगर इसको हरगिज़ समझ में नहीं आया, इसको कुछ नई बात पल्ले पड़ी कि ये क्या पढ़ाया जा रहा है और ये क्या हो रहा है। इसने पूछा, इसने कहा कि आप ये क्या पढ़ा रहे हैं? आपने फरमाया कि मैं तमाम तर वो उलूम पढ़ा रहा हूँ जिनकी ज़रूरत है बनी है नौ इंसानियत को। आपको मालूम हो सकता है कि वो कौन सी उलूम है? उसमें एस्ट्रोलॉजी भी हो सकता है, उसमें बायोलॉजी भी हो सकता है, उसमें फिजिक्स भी हो सकता है, उसमें केमिस्ट्री भी हो सकता है, उसमें एनाटॉमी यानी हयातियात का इल्म भी हो सकता है, तो उसमें फलसफा भी होगा, सब कुछ होगा। तो अब अगर कोई ये समझे कि मस्जिद में बैठकर सिर्फ कुरान की तालीम होगी, नमाज के अहकाम होंगे, रोजे के अहकाम होंगे, फिक्र होगा, हदीस होगा, सीरत होगी, सुन्नत होगी, तो वो तस्वुर ये नहीं कर सकता कि वहाँ पर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और फलसफा पढ़ाया जा रहा है। तो मैं अर्ज़ ये करना चाहती हूँ कि हमने क्लासिफिकेशन क्यों पैदा की, हमने दीनदारों को और दुनियादारों को अलहदा अलहदा क्यों शुमार कर दिया, हमें इनको एक साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। फराबी कौन थे? इब्नुल हैसम, जाबिर बिन हय्यान, ये सब हाफिज़े कुरान और आलिम दीन थे। इन्होंने कुरान से ही सारे ये उलूम जो है ना इस्तिखराज किए थे। बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है। आज के दौर में चूंकि मैं तालीम के शोबे को बदकिस्मती से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री मानता हूँ, वो है जी, ठीक है ना, अच्छा उसको देखा देखी, अनफॉर्चुनेटली जो सोकॉल्ड उलमा जिसे हम उलमा सू कहते हैं, उन्होंने इसे मदरसे को भी जो है ना इंडस्ट्री बना दिया है और आज जो है ना हम उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। आप मुझे एक सेकंड साथ दीजिएगा, मैं हजरत की बात को ना अप्रिशिएट सीने से कर लूँ। आपने बात जो है ना ये सोने से लिखी नहीं जाने लगी, बड़ी खूबसूरत बात आपने की। हजरत आप भी पहले अपना एक जुमला कह लीजिए, फिर मैं देखूँ वक्त कितना है। आपके सवाल में एक पाकिस्तान के मुआशरे में उलमा के किरदार के ऊपर एक सवाल था, उसके बारे में वजाहत करूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त 40 मजहबी जमातों के ऊपर मुश्तमिल मिल्ली यकजहती के नाम से एक फोरम मौजूद है। 40 मजहबी जमातें कम नहीं होती कि जो एक प्लेटफार्म पे बैठे, एक बात करें, एक लाया अमल तय करें, पाकिस्तान के मामलात एक गिरोह को, एक मुख्तसर से गिरोह को पाकिस्तान में मजहब के नाम पर मुसल्लत किया गया, जिन्होंने पाकिस्तान में नामनी कायम की, पाकिस्तान को तहस-नहस करने की कोशिश की, लोगों में बेचैनी फैली, लोगों ने यह समझा कि ये मजहबी चेहरे हैं, मजहब बदनाम हुआ, इस्लाम बदनाम हुआ, ना उनका इस्लाम से ताल्लुक है, ना उनका मजहब से ताल्लुक है। आपकी बात से क्या ये नहीं पता चलता फिर कि वो जो 40 जमातें इकट्ठी हुई हैं वो बड़ी कमज़ोर थी और वो जो कोई कमज़ोर नहीं है, इसलिए कमज़ोर नहीं है कि उनको मीडिया पे हाईलाइट नहीं किया जाता, मीडिया पे उनको हाईलाइट किया जाता है,
जो हजरत मीडिया के देखे, ये दौर मीडिया का है, माजरत के साथ आप बताइए कि आपके मीडिया के ऊपर इन मजहबी जमातों के प्रोग्राम झलकियों की सूरत में आते हैं, लेकिन आपके प्रोग्राम दहशतगर्दी के ऊपर घंटों के ऊपर मुहित हैं। आप दिखाएं मदारिस की जहमात जाकर, आप दिखाएं पाकिस्तान में इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन के ऊपर उलमा की कोशिशें, अगर आज पाकिस्तान खड़ा है। आप ये ईमानदारी से कह रहे हैं कि आज भी उलमा को प्रमोट करने के लिए मीडिया अपना प्लेटफॉर्म नहीं, नहीं देखिए मीडिया ज्यादती करता है, ज्यादती ये करता है, सारा का सारा ब्लेम मीडिया है। ना देखिए मैं उसको देखिए आप मुआशरे में जो पेश करते हैं लोगों का जहन कहाँ से बनता है, मुझे बताइए। मैंने एक बात की आमिर भाई से, मैंने कहा मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाऊँ, मेरे पीछे 100 बंदा नमाज पढ़ता है, मेरी बात 100 बंदों तक जाती है, लेकिन यहाँ जब मैं बैठा हूँ तो मेरी बात करोड़ों तक जा रही है। अब मेरी बात तो करोड़ों आदमी सुन रहे हैं ना। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि मीडिया का ये किरदार, मीडिया को चाहिए माजरत के साथ, मीडिया को चाहिए कि उन उलमाए हक को तलाश करे, वो तलाश करें। बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। आप चाहते हैं पाकिस्तान में एक अच्छा चेहरा सामने आए, अच्छी चीज सामने आए, उलमा का रूप सामने आए, उलमा का किरदार पाकिस्तान में बहुत बड़ा काम है। हमें पाकिस्तान में कोई मायूसी नहीं उलमा से, मैं आपसे बिल्कुल मुतफिक हो गया। अपने किरदार पर पाकिस्तान में उलमा के किरदार पर हम मुतमईन हैं। क्या निकलने की, अगर आपकी बात में थोड़ी सी गुंजाइश निकालूं, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुतफिक हूँ। अगली बात होगी कि मोबिलिंक और वारे जो है ये भी उलमा को प्रमोट करें, उनको फ्री SMS सर्विस दें, उनको फ्री मैसेजिंग सर्विस दें, उनको फ्री वॉलर क्या चाहते। देखिये आपका ये तरीका, आज आपने ये सवाल उठाया है मोहतरब, आपने ये सवाल उठाया है तो आप अपनी तिश्नगी ख़त्म करना चाहते हैं। ये आपकी तनहा तिश्नगी है या पूरी आवाम की तिश्नगी है, यानी आवाम ये समझना चाहती है या फ़कत कुतुबा ये समझना चाहते हैं कि उलमा का किरदार क्या होना चाहिए, सारी आवाम समझना चाहती है या ये समझना चाहते हैं उलमा में और सियासतदानों में कोई फ़र्क होगा? मुझे नहीं पता लोग क्या सुनना चाहते हैं, क्या नहीं सुनना चाहते। मैं तो अपनी तिश्नगी की बात कर रहा हूँ। आवाम चाहते हैं, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना मैं काउंसलर का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ना मैं किसी काउंसलर आलिम से बात कर रहा हूँ, मैं तो एक आलिम दीन से बात कर रहा हूँ। एहतराम के साथ, बहुत एहतराम के साथ, अदब के दायरे में देखिए क्या जिम्मेदारियाँ हैं, ज़राए अबलाग की क्या जिम्मेदारी है, ज़रा आप लोग ज़रा अबलाग से ताल्लुक़ रखते हैं ना, हम भी ज़रा अबलाग से ताल्लुक़ रखते हैं, हम अपना फरीज़ा मस्जिदों में अदा करते हैं, मिंबर पे अदा करते हैं, ठीक है। उसी बात को आज मेरी बात बहुत से लोग सुन रहे हैं ना, तो मेरी बात बहुत आगे जा सकती है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मीडिया को तकसीम करना चाहिए अपने उमूर को, जहाँ आप ऐड देने के लिए दुनिया की कमाई के लिए इतना खर्च कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे जाएं, उन उलमा को देखें, उन उलमा की जामतों को देखें, उनको जब आप पब्लिक के सामने पेश करेंगे तो ये जो आपके जहन में इतराज़ात हैं, ये जो लोगों के जहनों में मायूसी है, माजरत के साथ, ये जो लोगों के जहनों में मायूसी उलमा के बारे में है, इस वजह से है कि वो एक अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। उलमा का बहुत पाकिस्तान में बड़ा किरदार है। एक सवाल ये, इस पे कोई दो राय नहीं है कि उनका बड़ा किरदार है, हाथ में बांध के बिल्कुल अदब के साथ। अब आप पता है मुझे जो मैसेज मिला इस बात से कि मिंबर मस्जिद से निकल के अब मीडिया के अंदर आ जाए और अब यहाँ पे वो नाकाम। नहीं हम ये नहीं, वहाँ नाकाम हो गया, हम ये नहीं कह रहे। मीडिया अपनी शरी देखे, आपकी और मेरी शरी जिम्मेदारी है ना, एज ए मुसलमान मैं भी जिम्मेदार हूँ। कुल्लुकुम राइन वकुल्लुकुम मसूल, पैगंबर गिरामी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तुम में से हर शख्स रईयत भी है, हर शख्स मसूल भी है, यानी हर शख्स से सवाल किया जाना है। मुझसे सवाल होगा कि मैंने क्या किया, तो क्या मीडिया के जिम्मेदारान से सवाल नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्यामत में वो सवाल नहीं। जिसके पास जितनी ताकत है उससे उतना ही बड़ा सवाल होगा। इस वक्त आप इंसाफ से बताइए, मीडिया की ताकत से किसी को इनकार है? बिल्कुल तो इनकार नहीं। आप बच्चों को लिबास दिखाते हैं, आप बच्चों को फैशन दिखाते हैं, वो अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर आप उलमा का किरदार दिखाएंगे, मदरसों का किरदार दिखाएंगे, अच्छा करें। मीडिया पर ही 17 चैनल चल रहे हैं जो सिर्फ मजहबी प्रोग्राम करते हैं, कहिए तो मैं नाम गिनवा दूं, उनका असर कोई क्यों नहीं ले रहा? फिर 17 चैनल है जो सिर्फ मजहबी प्रोग्राम करते हैं। मजहबी जो लोग हैं उनको सिर्फ रमजान तक महदूद किया हुआ है। हमने माजरत के साथ हमने ये नहीं कहा, माजरत हमने ये नहीं कहा कि वो 17 चैनल क्या कर रहे हैं। जैन सबकी जिम्मेदारी, मैंने इसलिए हदीस पढ़ी, उन 17 चैनल की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, सबकी जिम्मेदारी है, ठीक है, कि उलमा जो मुस्बत किरदार इस वक्त पाकिस्तान में अदा कर रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के अमन व अमान को कायम रखने में, हमने लाशें उठाई लेकिन हमने इस पाकिस्तान को तबाह बर्बाद होने से बचाया,
हमने हिम्मत, वो ये उलमा का किरदार है, लाहौर की है, 70 लाशों पे खड़े होकर, 90 लाशों पे खड़े होकर पाकिस्तान को उस रुख पे ले जाने की न कभी कोशिश की न करेंगे। ये आलम की जिम्मेदारी है। हम सलूट पेश करते हैं अलामा साजिद नकवी को, जिन्होंने पाकिस्तान में मजहबी उलमा को, बड़े बड़े उलमा को, काजी हुसैन अहमद, फजलुरहमान, मौलाना फजलुरहमान, मौलाना समीउल हक, इनके साथ अगर वो बैठ के एक फोरम पे बात कर रहे हैं, बहुत तो इसको हमें हाईलाइट करने की जरूरत है। मैं आपा की एक बात ले लूं जी, आपा एक जुमला बस करिए। मुफ्ती साहब ने फरमाया, कहा कि ना आजकल एजुकेशन को इंडस्ट्री बना लिया गया है, तो मैं आपके अपने बड़े भाई की तायीद इसलिए करती हूँ कि हमारे वो पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों की इंग्लिश मीडियम स्कूल की 5,000 और 10,000 फीसेस दे दिया करते हैं, वो मदरसों में 100 रुपए पे बच्चों को नहीं देते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह ताला इस मौजू को शाम को भी कंटिन्यू करूँगा, ये तशरीह जो है बहुत रहेगी, लेकिन मैं इस बात को इंतहाई अदब के साथ और इंतहाई शर्मिंदगी के साथ तस्लीम करते हुए जो अलामा साहब ने की कि मीडिया अपने किरदार को किसी सूरत भी पूरा नहीं कर रहा। अगर एजुकेशन इंडस्ट्री है तो मीडिया ने भी रिलीजन को इंडस्ट्री के तौर पे पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल किया है, और ये मैं अदब और शर्मिंदगी के साथ तस्लीम करते हुए एक वक्फे पे जाता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। लेकिन अफसोस हुआ, आयशा को तुम्हारे मुताबिक ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो और क्या, आयशा ने अपने गिरबान में झांका है कभी जो तुम पर उंगली उठा रही है? अब तुम उसके साथ वही करना जो मैंने तुम्हें बताया। हाँ हाँ, और इससे जिक्र मत करना कि मेरी तुमसे बात हुई है इस हवाले से। मुझे तो आदत ही नहीं दूसरों के मसले में उलझने की, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारी वजह से चुप नहीं रहा गया। मैं तो इससे मिलना ही पसंद नहीं करती, लेकिन अब क्या करें जब बंदा खुद आ जाए तो। बहन मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही। इरशाद रब्बानी, तुम में से कोई किसी की गिबत ना करे। क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? जी वली भाई, आपने फिर सामान उठा लिया, रहा नहीं गया आपसे। अरे बहन मेरी, ये खिदमत, ये कोशिश रहेगी मेरी कि मैं खुद, ये खुद ही करना चाह रहे हैं आप। चलिए जी, पहले आपका सामान उठाया हुआ है। जी राशन है महीने का, सहर और इफ्तार का, और हमारे लिए दुआ भी कीजिएगा, और ये दुआ कीजिएगा कि अल्लाह तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे कि आप भी किसी का वसीला बन सकें। तीन बच्चे मर चुके हैं, तीन बेटे मेरे फोत हो गए हैं। बड़े बेटे मेरे को थैलेसीमिया मेजर था, अभी मेरी एक बेटी है उसको भी थैलेसीमिया मेजर है जी। उसकी अभी उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, डॉक्टर ने जी तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया। एक बेटा मेरा 12 साल का फोत हो चुका है इसकी वजह से, अभी मेरी बच्ची की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कौन कफालत करता है घर की, किस तरीके से आप गुजर बसर होता है आपका? मुश्किल से गुजार हो रही, क्योंकि ये मेरे शौहर हैं, ये भी बीमार रहते हैं ज़्यादातर, तो मजदूरी कभी होती है कभी नहीं होती। आज भी इनकी मजदूरी नहीं लगी, नहीं गई मजदूरी पे जाते हैं, गुजारा चलता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शुक्रिया बहुत बहुत, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह अच्छा करेगा। वली भाई, अभी हम जिस घर पर मौजूद हैं इस वक्त, यहाँ पर ये हालात हैं इनके के वालदा नहीं है, इनके वालिद हैं बीमार हैं, 4 बहनें हैं और सिर्फ एक भाई है। अच्छा, एक भाई है जी। मुझे थोड़ा सा जो पता लगा है, जो भाई है उसका भी कभी रोजगार है नहीं है। और चारों बहनें कुंवारी हैं जी, चारों बहनें। अल्लाह पाक इनकी मुश्किल आसान करे। आए बहन, मुश्किल आसान फरमाए। बाबा जी मैं खुद तुहानु दे रहा है अपने हत्ता पा के हसम लिए।
बैक नाज़रीन, जैसे कि अभी आप ये हमारा सेगमेंट देख रहे थे रोज़ का राशन, एक छोटी सी कोशिश है हमारे चैनल समा टीवी की तरफ से उन लोगों के लिए जिनको ज़रूरत है राशन की, जिनको ज़रूरत है इस मुबारक महीने में उस राशन की जिसके वो जिनके पास वो राशन नहीं पहुंच सकता है, जो वो ख़ुद नहीं ख़रीद सकते हैं। तो एक छोटी सी कोशिश है हमारी तरफ से, अगर आप लोग भी चाहें इसमें हिस्सा ले सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है हमारे उस सेगमेंट का, जिस सेगमेंट के लिए मुझे पता है हमारी जो ख़वातीन जो देख रही हैं वो इंतज़ार कर रही होती हैं। तो हम बात कर रहे हैं रमज़ान के टोटके के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। एक बार फिर आपको रमजान मुबारक हो। बहुत आपको मुबारक हो। कैसे जा रहे हैं? नहीं, पहले आपके इंग्रेडिएंट से पहले मैं जरा थोड़ी सी बातचीत करना चाह रही हूँ आपसे। आप मुझे ये बताएं कि आपके रमजान कैसे जा रहे हैं, रोजे कैसे जा रहे हैं? अब बड़े अच्छे जा रहे हैं। अच्छा, आपके तो बहुत अच्छे जा रहे होंगे इसलिए क्योंकि इनको सारे टोटके पता है। तो बिलाल भाई, इनको सारे टोटके पता है, तो अगर प्यास लगने वाला टोटका हो, एसिडिटी वाला टोटका हो, तो ये सब अपने ऊपर पहले इस्तेमाल करते होंगे, आजमाते होंगे। पहले तो दिमाग ठीक करने वाला टोटका जो है ना, इस कौम को बताएं, उसके बाद बाकी सारे टोटके। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक खाम खां का एक दहशत, एक खौफ जब रमजान शुरू होने वाला होता है तो लोग एक क्योस होता है कि जी रमजान शुरू हो रहा है, पता नहीं खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा। बल्कि आप, मैं कहता हूँ कि और रिलैक्स हो जाते हैं, आप भरपूर खाते हैं, एक टेबल पे खाते हैं, बड़ा शेयरिंग होती है, और मेरा ख्याल है कि वो एक दिमाग को सुकून में आ जाना चाहिए रमजान आते ही। लोग बड़े डरे होते हैं कि जी अब क्या होगा, एक टाइम पे खाने को मिलेगा, दो टाइम पे मिलेगा, तो आप बड़ा उसको एंजॉय करें आप। बल्कि खवातीन के लिए बड़ी खुशखबरी है कि ये रमजान के साथ साथ आप और हसीन हो जाती हैं, क्योंकि आपकी जो डिटॉक्सिफिकेशन है, जो आप पूरा डिटॉक्सिफिकेशन करती हैं मिट्टी के अंदर लेटकर, और 25,000 की वो मिट्टी आती है। अच्छा जी, तो वो आपको नेचुरली, मुझे इसके बारे में पता नहीं, आपसे सुन रही हूं मैं। जी, आपको पूरा डिटेल आपके प्रोग्राम में एक दिन करेंगे जरूर। अच्छा, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तो कितने जो टोटके हैं आप अपने ऊपर कितना आजमाते हैं? मैं तो बारे में, आप देखो कि मोमल बड़ी कोशिश होती है कि जो चीजें नेचुरल चीजें ज्यादा से ज्यादा खाएं आप ना, और उसको खूब एंजॉय करके खाएं। जो आज चीजें हम करेंगे, या एक बड़ा, एक आपके प्रोग्राम के थ्रू मोमल में एक और बताना चाहूंगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन ईद करीब आ रही है, और एक बहुत प्रॉब्लम होती है बाल खोरे का, एलोपेशिया का, खवातीन के अंदर होता है कि बाल बड़े थिन हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी दवाएं हैं, बहुत सारी मेडिकेशन होती है, मगर आज जो हम एक चीज बताएंगे बड़ी सिंपल तरीन है, और इसको लगाने से आपके बाल बड़े ग्रो करते हैं। अच्छा, आज खाने वाला कुछ नहीं, आज खाने वाला भी है। अच्छा, खाने वाला है। क्या बना रहे हैं? देखिए, आज बड़ा जबरदस्त एक एनर्जी ड्रिंक है, जैसे जैसे हमने मिंटी पिंक लेडी एक दफा मेरे ख्याल है आपके प्रोग्राम में बनाया, एक दफा और बनाएंगे, और ये व्हाइट लेडी इसका नाम है। ठीक है, और इसको पीने से एक तो आप बड़ी क्लियर आपकी स्किन होगी, ठीक है, और थकेंगी आप बिल्कुल नहीं। तो इसको सहरी में ही पीना चाहिए, सहरी में या इफ्तार में, जिस वक्त चाहे। अच्छा, पूरा डिटॉक्स करेगी आपको, इसके अंदर जो चीजें हम डालेंगे आप बड़ा अच्छा महसूस करेंगे, लिवर बड़ा क्लियर होगा, और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। उससे पहले मैं एक बालों की बड़ी अच्छी सी टिप बताना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये खवातीन अभी आपको देख रही होंगी और उनके पास कई सवाल भी होंगे, तो मैं अपनी प्यारी सी खवातीन बहनों को अपने शो में इनवाइट करना चाहूँगी, बोलना चाहूँगी कि हमें कॉल करें, और अगर आप डॉक्टर खुर्रम से कोई सवाल करना चाहती हैं, कोई टोटका पूछना चाहती हैं, तो ये सही मौका है, और अभी आप पूछ सकती हैं। बिल्कुल मोमल, ये देखिए कि एक बड़ी कॉमन कंडीशन होती है, और स्ट्रेस से बहुत ज्यादा, इसको कहते हैं बाल खोरा उर्दू में, एलोपेशिया कहलाता है, और आपके पैच से बाल गायब हो जाते हैं, और खवातीन के अंदर होती है मेल पैटर्न बॉल्डनेस, जैसे मर्दों के बाल जाते हैं ना बीच से और सिर्फ साइड से रह जाते हैं, इस तरह एक कंडीशन होती है कि खवातीन के बाल बहुत थिन हो जाते हैं, बहुत हल्के हो जाते हैं, और बेचारी बड़ी प्रॉब्लम होती है। और आजकल में तो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी कि सहरी भी बनानी है, अफतारी भी बनानी है, सारे ससुराल वालों को, घर वालों को, सबको, सबकी फरमाइशें भी पूरी करनी है। तो बिलाल भाई, अगर बाल, अच्छा हाँ, बहुत बहुत से ऐसे लोग हैं जो बालों के बारे में बहुत हसास तबीयत रखते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी जो लोग बड़ी फिक्र करते हैं ना कि जी मैं गोरा हूं या नहीं हूं, मैं काला हूं या नहीं हूं, बाल ऐसे, एक ओवरऑल पर्सनालिटी होती है जो अट्रैक्टिव होती है। बहुत सारे आप देखिए, बहुत सारे लोगों के बड़े अच्छे अच्छे लंबे बाल होते हैं, मैं कोई अट्रैक्शन नहीं होती, कशिश नहीं होती, वो कशिश आती है एक तो आपके अंदर से, आपके अंदर एक अंदर क्या है, पैकेजिंग तो एक नजर पड़ती है, मगर दो मिनट के बाद आप पैकेट खोला आपने,
और उसके अंदर कुछ नहीं है तो फिर क्या बात है, है ना? तो बड़ा पैकेजिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब पैकेजिंग नहीं इम्पोर्टेंट, अंदर का कंटेंट जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो आप चीजें कॉन्फिडेंटली इसको फील करें, ये नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, मतलब शाय भी नहीं हो। और कोई अगर हो गया, अगर कोई पिंपल निकल आया, अच्छा खवातीन की एक आदत ये होती है कि अगर किसी बेचारी में कोई इशू हो गया कि अगर चोट लग गई, ये आपका क्या हो गया, ये आपके कैसे लग गया, ये क्या हो गया, ये ठीक नहीं कराती है इसको, तो ये लड़कियां और कॉन्शियस हो जाती हैं एक दूसरे को बोल के। बोल तो आप चाह रहे हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को नहीं इस तरह बोलना चाहिए। सरवत आबा, मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी कि ऐसा होता है कि एक दूसरे को बोलने से यार तुम्हारे बाल बड़े गिर रहे हैं या तुम्हारे पिंपल आ रहा है या इस तरह से फील होता है? ओ हम आपसे जवाब पहले पूछते हैं, हमारे पास कॉलर भी मौजूद है। सरवत आपा उन लोगों में से हैं जो कहेंगी कि पिंपल का मुझे नहीं पता, मैंने कल 3 किताबें पढ़ी थी, उस पर बात कर लो। जी सरवत आपा, आप कुछ कहेंगे इस बारे में? ये कहूँगी कि ज़ाहरी शक्ल और सूरत के ऊपर तनकीद करना कुछ अच्छी बात नहीं होती। और अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई मसला चल रहा है, वो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो, कोई जिस्मानी बीमारी हो, तो उसको पॉइंट आउट करना अच्छी बात नहीं होती। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें बातनी सीरत की जानिब तवज्जो देनी चाहिए। क्या बात बोली, खूबसूरत बात। इसी खूबसूरत बात पे हम एक कॉलर भी अपने शो में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है प्यारी सी आवाज़? मैं हुमैरा बात कर रही हूँ। हुमैरा, बहुत अच्छा शो जा रहा है माशाल्लाह से आप लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी छोटा सा सवाल है जी प्लीज। कि मेरी उम्र जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरे बाल जो है वो सफेद हो गए हैं। ओह ओके, अच्छा ठीक है। उसके लिए मुझे कोई हल बताए और मुझे प्लीज एक तोहफा चाहिए, बाइक चाहिए। बाइक चाहिए आपको? बाइक के लिए सवाल आपसे पूछेंगे बिलाल भाई इफ्तारी में। आप इफ्तारी में भी फोन करिएगा, ठीक है ना? नहीं नहीं, आप मुझे प्लीज अभी तो कोई तोहफा। अच्छा अभी मैं आपको ऐसा करती हूँ, एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर जे डॉट की तरफ से दे देते हैं हम, ठीक है बिलाल भाई? नंबर नोट करवाएं आप एमसीआर में इंशाल्लाह। आप बताइए बालों का हल प्लीज बता। अभी आपको बालों का हल भी बता रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं जी। बालों का पहला हल तो यह है कि मोटर बाइक ना चलाएं, क्योंकि बाल भी सफेद हो जाएंगे। ये पोल्यूशन बड़ा और प्री मैच्योर ग्रेन का बताएंगे। अच्छा आपकी बात, आपा की बात बड़ी सही है कि देखिए अंदरूनी खूबसूरती जो होती है रिफ्लेक्ट करती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉन्शियस हो जाएं और अच्छा करें, क्योंकि खुदा अल्लाह खुद बहुत हसीन है, तो वो चाहता है कि हर चीज हसीन नजर आए ना। आप अपने आप देखिए, जो आप हैं उसको अच्छे से अच्छा करें, हवस ना करें कि ये इतनी अच्छी है, ये इतना अच्छा है। अपने अंदर ही पॉजिटिविटी लाए, सोचे कि भाई मुझसे ज्यादा कोई खूबसूरत है ही नहीं, मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत। आपकी अगर छोटा सा आपका घर है तो ये नहीं कि वो दूसरा बैंगलो इतना बड़ा है वो देखिए ऐसा हो जाए, नहीं, उसको साफ सुथरा रखें, खुश होना चाहिए। अच्छा जी बिल्कुल, बाल उनके बड़े प्रीमेच्योर ग्रोइंग। अच्छा बड़ा सिंपल तरीका है और इंशाल्लाह मैं अब हम कोशिश करेंगे, ड्रिंक्स तो बना रहे, अब ईद की तैयारियां भी थोड़ी थोड़ी दिन में आएंगी तो एक तेल भी बनाएंगे। अच्छा देखिए आपको क्या करना है जी, आधा किलो लेना है कलौंजी का तेल, कलौंजी का तेल आधा किलो, आधा किलो ठीक है। उसके अंदर एक पूरी प्याज जो है वो मैश करके छिलके समेत उसके अंदर डालनी है, जूस के छिलके समेत, और उसके जो कहते हैं जूस है वो निकाल के डालना है, ठीक है। एक हैंडफुल आप पीस के बादाम डालेंगे, ठीक है ठीक है। 5 ग्राम, ठीक है 5 से 10 ग्राम, छोटा सा पीस होता है व्हाइट रंग का काला पत्थर, काला पत्थर जो व्हाइट काला पत्थर जो कि सफेद रंग का होता है, व्हाइट रंग का होता है नाम उसका, काला पत्थर, काला पत्थर जो सफेद रंग का होता है, बिल्कुल ठीक है। काला पत्थर, अब मैं इंशाल्लाह समा की टीम पूरी दिखाएगी यहाँ पे, काला पत्थर इतना सा होता है ठीक है। उसको आपने मैश किया आधा किलो तेल के अंदर, 1 मुट्ठी भर के नीम के पत्ते, और उसके साथ डालना है 1 मुट्ठी मेथी दाना, खूब पकाया आपने ठीक है। जब वो बिल्कुल बॉयल होने लगा तेल, तो उसके अंदर 10 ml 10 मिलीलीटर एक लोशन आता है ओवर द काउंटर, पूरे पाकिस्तान में आपको मिलेगा, कराची से लेकर कश्मीर तक, बीटा मेथिसोन, बीटा MBETA-METHASONE, बिल्कुल माइल्ड सा लोशन होता है, ठीक है। ये आपने तेल में डाला, तेल तैयार हो गया, एक दिन आपने सूरज में रख दिया, बहुत सारी विटामिन डी आई, खूब मालिश करें, होगा क्या कि इवेंचुअली एक तो ये बाल जो है ना ये आर्टिफिशियल आने जाने वाले हैं, बहुत सारे लोग कंगा नहीं करते कि जी मैं ब्रश करूंगी तो मेरे बाल गिर जाएंगे, जितने ब्रश करेंगे आप पुराने हटेंगे तो नई की जगह आएगी, ठीक है। तो आप खूब सर्कुलेट करें, इसमें खून का दौरान बढ़ेगा, और एक मल्टीविटामिन जरूर खाएगा जिसके अंदर सेलेनियम हो जो मछली में भी होता है, ठीक है। बहुत अच्छी बात बताया डॉक्टर साहब ने क्या की और बड़े आराम से गुजर गई वो बात। सब लोग कहते हैं कराची से पेशावर तक पाकिस्तान में मिलता है, डॉक्टर साहब ने कहा कराची से कश्मीर तक पाकिस्तान में मिलता है, बिल्कुल। और कॉलर मौजूद है, हम उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उमर जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे खुर्रम भाई से एक सवाल करना है। जी जरूर जरूर। क्या हाल है, कैसी हैं आप? मेरा रंग जो है वो सांवला है। हाँ। और मेरे फेस के ऊपर ना डिफरेंट पैचेस बने हुए, लाइक मेरे अपर लिप जो है उन पे पैचेस हैं डार्क कलर के ना, आईज जो है वो मेरी डार्क है। हाँ। माथा जो है वो अलग डार्क कलर का है। पिगमेंटेशन मुझे इस, हाँ जी बिल्कुल ठीक। तो इस हवाले से जो है ना मुझे, मैं बहुत कॉम्प्लेक्स का शिकार। अरे नहीं बिल्कुल भी नहीं, जरूर जरूर। अभी आपका मसला अभी हम हल करते हैं, इसीलिए तो हम यहाँ पे मौजूद हैं आप लोग के मसले हल करने के लिए। जी जी डॉक्टर, अभी लाइन पे हैं बिल्कुल। खदीजा आप लाइन पे हैं, कॉल ड्रॉप हो चुकी है, बट बहुत बहुत शुक्रिया खदीजा, आप सुनेगा गौर से कि क्या बिल्कुल ये पिगमेंटेशन होती है। ये पिगमेंटेशन अच्छा लड़कियों के, कई लड़कियों की ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है अच्छा होता है कि चूल्हे के सामने जा रही हैं, सारा दिन खूब धुआं आ रहा है, ठीक है, बाहर शॉपिंग करने जा रही हैं। अच्छा एक और इशू होता है लड़कियों का, कुकिंग की जी दुपट्टा हाथ में होता है और यूं करके, ठीक है, और थोड़ी थोड़ी देर में दुपट्टे से ना यूं करती हैं। अच्छा रब ऑफ, हाँ रब ऑफ करती है, यहाँ पे एक पिगमेंटेशन आ जाती है। और इसको अंग्रेज इसी को अगर एडवांस एक ट्रीटमेंट देखी है, और खवातीन के अंदर और मर्दों में भी होता है, जिसको कहते हैं मेलास्मा, जो बिल्कुल आप बटरफ्लाई रैश भी कहते हैं ना, पूरे चेहरे पे आपके पिगमेंटेशन आते हैं। MELASMA मेलास्मा आप नेट पे जरूर देखेंगे। उससे क्या होता है कि आपके पूरा चेहरा 3-4 टोन का हो जाता है। अच्छा अगर आप किसी फंक्शन में जा रही हैं तो मेकअप भी करती है, तो टोनर से आप उसको जितना भी साफ कर लें या कितना फाउंडेशन लगाएं, कहीं यहाँ डार्क कहीं यहाँ, तो बिल्कुल उसमें बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जबकि लोग बड़ा काम करते हैं, बेहतरीन हल है उसका, देखिए बेहतरीन लोकल हल है, और आप बहुत जल्दी इसके अंदर रिजल्ट पाएंगे। देखिए झटपट हमें लोकल हल बता भी दें। दो अंडे आप लीजिएगा देसी, ठीक है, उन्हें आपने एक बोल में डाला, उसके अंदर डाली 18 से 20 खट्टी मीठी विटामिन सी की टैबलेट्स होती हैं, वो डाली, उसके साथ ऐड किया 2 चमचे हुस्ने यूसुफ पाउडर। हुस्ने यूसुफ पाउडर जो एक्सट्रैक्ट होता है बादाम की खली का, इसके अंदर अजवाइन होती है, इसके अंदर होता है थोड़ा सा मेथी दाना और बहुत सारा चंदन पाउडर। चंदन पाउडर हुस्ने यूसुफ पाउडर मिल जाता है, 3-4 परचून की दुकानें होती हैं, ये एक आध बड़ी हर्बल दुकानें वहां पे मिलता है। अच्छा महंगी आप तो नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल हम इतनी बड़ी बॉटल कोई महंगी चीजें नहीं बता सकते हैं। इतनी बड़ी बॉटल 120 रुपए की, अच्छा पूरे मंथ चलती है, जबरदस्त। मिसेस हैदर भी हमारे साथ कॉल पे, हम उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिसेस हैदर, रमजान मुबारक। मैं लाहौर से बात कर रही हूँ मिसेस हैदर। जी मिसेस हैदर कैसी हैं आप? हाँ जी बिल्कुल जी, अल्लाह का शुक्र है, हम लाहौर वाले हैं, आप लोगों को मुबारक। तुसी कैसे हो? ठीक ठाक, चंगे भले। चंगे भले तो सिंधी हो गया, फर्स्ट क्लास जी, और आपको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखते हैं। बस बहुत बहुत शुक्रिया, इस तरह दुआ में याद रखिएगा। सबसे पहले ये बताएं कि आपके रमजान कैसे जा रहे हैं? सुना है बारिशें हो रही हैं। अल्लाह का शुक्र है, बड़े मजे से लाहौर का मौसम बहुत अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। बिलाल भाई बस यही सुन सुन के कहते हैं कि मैं अभी आया हुआ हूँ लाहौर से, तो लाहौर में वैसे मैं आपसे बात कर सकूँ, मैं दो बातें ऐसी करनी। पहली बात है कि जिस तरह के टोट के डॉक्टर साहब बताते हैं ना, डॉक्टर साहब की बीवी जो है ना इस दुनिया की खुश किस्मत तरीन औरत है। लाहौर के अंदर बारिश जो है ना, ये जितनी चाहे हो जाए, लाहौर में पानी खड़ा नहीं होता। डॉक्टर खुर्रम छा गए लाहौर पे भी, छा गए भाई, वाह भाई वाह। कैसी हैं आप? हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे दरअसल एक बात पूछना चाह रही थी। पूछे जी डॉक्टर साहब, मेरे बच्चों को चिकन पॉक्स निकला है। जी अच्छा बिल्कुल। हाँ तो मैं चाह रही थी, अगर मैं तो ट्रीटमेंट तो करवा रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि निशान ना छोड़ जाए। अरे बिल्कुल आप बेफिक्र हैं। अच्छा इसका कोई ट्रीटमेंट आप मत कराएं, चिकन पॉक्स आ गए, बच्चों को क्या कराना है, एक तो आप हाइड्रेट बहुत करें, उनको जूसेस पिलाएं, दूध पिलाएं, लस्सी पिलाएं, ठीक है, और कोई एंटीबायोटिक या कोई एंटीवायरल देने की कतई तौर पर जरूरत नहीं है। और मैं आपको निशानों के लिए बड़ी जबरदस्त चीज बता रहा हूँ, जो आपको फजल दीन पे आराम से मिल जाएगी लाहौर में, एक बड़ी दुकान है, ठीक है। देखिए आप एक बड़ी सी बॉटल लेंगे कैलामाइन लोशन की, ठीक है, कैलामाइन लोशन, ठीक है, उसके साथ इक्वल क्वांटिटी में ऐड करेंगे अर्के गुलाब, ठीक है, और 40 ग्राम क्रीम डालेंगे इसके अंदर, डर्मजिन DERMAZIN, ये तीनों चीजें मिलाएं और पूरी बॉडी पे बच्चों की अच्छी तरह से जेंटल मसाज करें। और न्यूट्रल पीएच बार 100 रुपए का इतना बड़ा बार होता है, रोजाना हर बच्चे का डिफरेंट लें और रोजाना नहलाएं 15 दिन तक। और एक सिरप जरूर बनाइएगा लाइकोपीन का,
निशान भी नहीं होगा, बहुत ही बच्चे पिंक पिंक हो जाएंगे और 15 दिन में कोई निशान नहीं बचेगा। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस यादव, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएगी इस टोटके के बाद। अच्छा, हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी से ये बना लें और मैं अपने नाज़रीन से ये भी बात करूँ कि जो हम झटपट चीज़ें बता रहे हैं, इंशाल्लाह आपको हमारे फेसबुक पेज पर ये सारे टोटके मौजूद होंगे तो आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। जी क्या है ये? सबसे पहले स्किम मिल्क बलाई का दूध, बगैर बलाई का दूध, सोया मिल्क भी ले सकते हैं आप। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि हमें ब्रेक पे भी जाना है तो हम विजुअली दिखाते हैं, तो ब्रेक के बाद आके फिर ये बना लें। बिल्कुल ठीक है, आपकी अगर इजाजत हो तो। अरे भाई आप बस चलें। ठीक है नाजरीन, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि इतना अच्छा समय यहाँ पे हम सब ने सजाया है सिर्फ आप लोग के लिए। रमजान मुबारक, विल बी राइट बैक। आपको मसनून दुआओं में खुश आमदीद, आज हम आपको बताएंगे सोकर उठने की दुआ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। वेलकम बैक आपके अपने ही शो में जिसका नाम है सुबह सहरी समा के साथ। और हम अभी हम बात कर रहे थे हमारे रमज़ान के टोटकों की और एक जूस जो अभी बनाने जा रहे हैं डॉक्टर खुर्रम, हमने रुकवा दिया था क्योंकि एक छोटी सी ब्रेक पर जा रहे थे, हम चाह रहे थे कि विजुअली भी सबको पता चले कि बन क्या रहा है। तो इसमें आपने डाला था सोया मिल्क या स्किम मिल्क बगैर बलाई के दूध। ठीक है, अच्छा ये कितना डाला है आपने? ये तकरीबन एक से डेढ़ कप, एक बड़ा से वाला डेढ़ कप। ठीक है। अच्छा देखिए, एक ग्लास जो है इसके अंदर डालेंगे नारियल का पानी। ठीक है, ये बड़ा क्लिनजिंग करता है, आपके टॉक्सिन्स निकालता है जिस्म से, आपकी जो बीमारियां पैदा होने वाली होती हैं लिवर किडनी सबकी धुलाई जो अंदर होती है पूरी बॉडी की। ठीक है, देखिए नारियल का पानी, पढ़ रहा था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में नारियल का पानी जो है वो इंट्रावीनस दिया जाता था। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बड़ा क्लिनजिंग करती है और इंट्रावीनस जो चीज दी जाती है फौरन असर करती है। एक जैसे ग्लूकोज का पानी चढ़ाते हैं, बिल्कुल चढ़ाते हैं, मजदूर आए बेचारे थके हुए कहते हैं जी मुझे एक ड्रिप चढ़ा दें तो फौरन एनर्जी आ जाती है इंस्टेंट। बिल्कुल अच्छा जी, इसके साथ हमने डाला ये है पाइन एप्पल का, ठीक है, अनानास का रस, ठीक है, एक छोटा सा प्याला, सही है। ये विटामिन सी है, एंटी एजिंग, जो खवातीन को बड़ा इशू होता है ना कि मैं बड़ी खूबसूरत भी लगती जाऊं। अच्छा जी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट, जी हाँ ये आ गई लीची, लीची सॉरी इलायची के लिए, इलायची की हम चाय पी रहे थे, इलायची की हम लोग चाय पी रहे हैं, लीची, लीची, ये लीची, ये बड़ा जबरदस्त है, ये इसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा है जिसको कहते हैं रेशा उर्दू में। आप इसको तोड़ के डाल रहे हैं, इसका मतलब बीज निकाल दिया, ठीक है, और कितने दाने? चार से पांच, और ये आपको फाइबर बहुत देगा, फिलिंग बहुत होगा और आपको प्यास बिल्कुल नहीं लगेगी सारा दिन। ठीक अच्छा, है बिल्कुल, तो ये जबरदस्त सहरी में पिया जा सकता है। जल्दी से हमारे पास वक्त कम है, जल्दी जल्दी बनाएंगे तो हम शायद मौका मिल जाए हमें पीने का। सरबत आप भी तो आए हमारी तरफ, इधर आके अगर आप देखें कि क्या हो रहा है तो आपको पता चलेगा कितने मजे की यहाँ पे मजे का जूस। ये मोमो से सवाल आज पूछा जाए, मोमो सबसे पूछती है क्या चीज है ये बताइए। ये है एक सेकेंड जैसे होता है सोफा केन का भी होता है ना, केन का भी होता है, ठीक है, ब्राउन शुगर, ब्राउन शक्कर, ये ट्राई कर रहे हैं कि ये चीटिंग हो रही है, देखिए ये अच्छा बगैर चखे कैसे कुछ चीज़ जाए। डॉक्टर साहब ये चखा दें तो ज्यादा बेहतर है जो अब आपके हाथ में है। जी अब ये नहीं पता होगा, ये मुझे क्यों नहीं पता होगा, मैं घरेलू, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, हां
ये वो है क्या है वो है ये एग्जाम में वाइवा हो रहा है भाई ये वो है मुझे पता है नहीं ये है दालचीनी आड़ू और थोड़े से इसके अंदर खुबानियाँ ठीक है और एक अगर चाहेंगे हम बहुत हैवी हो जाएगा मगर जरा एक केला भी डालते हैं पोटेशियम की बड़ी अच्छा सॉस आपको मिलेगा ये एक खाली अगर जूस भी पिया जाए सहरी के वक्त पे तो ये कंप्लीट मील है बिल्कुल अच्छा आप बनाती हैं घर में जूसेस और ये सारी चीजें घर के जो टोटे होते हैं बच्चे बड़े शौक से पीते हैं बच्चे बहुत शौक से पीते हैं तो ये हमारा जो मिल्क शेक बन रहा है ये बहुत अच्छा है बच्चों के लिए भी है ना आप बनाएंगी फिर इस चीज को घर में जरूर ये बड़े इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो डॉक्टर कुर्रम ने इसमें शामिल किए और इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं यानी बहसियत खातून खाना बहसियत एक माँ मैं जानती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको अगर हम रेगुलर घर में शामिल कर लें तो इंशाल्लाह ताला हमारे बच्चों की और हमारे घर की जो पूरे घर के अफराद खाना है उनकी सेहत में बहुत ज़्यादा अच्छा फर्क वाकई अच्छा लेकिन तो फिर अगर बच्चों के लिए है तो ये ब्राउन शुगर मुझे थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन ब्राउन शुगर बहुत अच्छी है जितनी चीज़ें ब्राउन होती हैं रोटी चावल जितनी ये ब्राउन का मतलब रॉ जो व्हाइट होती है पॉलिश हुई हुई होती है ठीक है वो आपकी इंटेस्टाइन्स के अंदर स्टिक जो आपकी मैं ये कहती हूँ कि हमको बचपन से ही जब बच्चे छोटे होते तब से उनकी हैबिट्स में कुछ ऐसा शुमार करना चाहिए कि वो व्हाइट शुगर से जरा दूर रहें बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल देखिए ट्वेंटीज में लोग होते हैं ठीक है डायबिटीज हो रही है हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर कुर्रम ये बन चुका है जबरदस्त हमारा यहाँ पे जूस भी बन चुका है इसकी इंग्रेडिएंट्स ये सारा जिस तरह इसकी रेसिपी है ये सब कुछ आपको हमारे फेसबुक पेज पे जरूर मिलेगी जितने टोटके इन्होंने बताए ताकि जो कॉलर्स अभी भी बहुत सारी कॉल्स आ रही थी आई एम सो सॉरी वक्त बहुत कम है अजान का वक्त हो रहा है कराची में हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे ब्रेक के बाद होगा बनो समा की आवाज़ कहीं मच जाएगा रमज़ान मुबारक सरकार हो जाए निगाहें मुंतज़र जाए और दीदार हो जाए तसव्वुर में तेरी हर शय पे यूं उधर ढूंढती है मोहम्मद को मेरी नजर ढूंढती है मोहम्मद को मेरी नजर ढूंढती है मोहम्मद को मेरी नजर ढूंढती है इधर उनका रोजा उधर उनकी जाली इधर उनका रोजा उधर उनकी जाली खुदा जाने किसको नजर ढूंढती है खुदा जाने किसको नजर ढूंढती है मोहम्मद को मेरी नजर ढूंढती है वो जिस दर पे सजदे किए थे नजर ने वो जिस दर पे सजदे किए थे नजर ने वो ही हाँ वो ही संगे दर ढूंढती है वो ही हाँ वो ही संगे दर ढूंढती है मोहम्मद को मेरी नजर ढूंढती है दुआ के लिए लोग कहते हैं हमसे दुआ के लिए लोग
सर ढूंढती है हमारी दुआ, खुदा सर ढूंढती है मोहम्मद को मेरी नजर ढूंढती है। हमीद आज तक खुद ना आया समझ में, हमीद आज तक खुद ना आया समझ में के क्या चीज मेरी नजर ढूंढती है, के क्या चीज मेरी नजर ढूंढती है मोहम्मद को मेरी नजर ढूंढती है, मोहम्मद को मेरी नजर ढूंढती है। यहाँ ढूंढती है वहाँ ढूंढती है, यहाँ ढूंढती है वहाँ ढूंढती है मोहम्मद को मेरी नजर ढूंढती है, मोहम्मद को मेरी नजर ढूंढती है। सुभान अल्लाह बेटा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। समा की आवाज के लिए ताबुन किया है, अभी से होगी जीत ही जीत। बनो समा की आवाज के लिए इश्तराक हासिल है 4.2 क्यू मोबाइल नोए A300। दिल में उतरते हर्फ से। बनो समा की आवाज में कल आपने सुना आईडी नंबर 007 फैज रसूल और आईडी नंबर 008 अली हैदर चौहान को। आपके वोट्स के मुताबिक फैज रसूल पहुंचे हैं टॉप 16 में। बेमाया जी नाजरीन, बनो समा की आवाज़ का वक्त है और हमारे पहले कंटेस्टेंट यहाँ पे आ चुके हैं। हमारे पहले कंटेस्टेंट हैं अब्दुल रहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, नर्वस तो नहीं हैं आप? पक्की बात है तो आपका पहले पैकेज चल कर देख लें और फिर हम आपसे आपकी खूबसूरत आवाज़ भी सुनेंगे। ठीक है, आइए चल कर देखते हैं। तक जारी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, मैं मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट हूँ। मुझे बचपन ही से नात खानी का बहुत शौक है और मैं बहुत सारे अवार्ड जीत चुका हूँ। मुझे मेरे भाई सिखाते हैं, वही मेरे उस्ताद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बनो समा की आवाज़ टॉप 32 में सेलेक्ट हो चुका हूँ। इंशाल्लाह मैं ही बनूंगा बनो समा की आवाज़। नात खानी की तरबियत अपने बड़े भाई से हासिल करते हैं, नाथवानी के साथ साथ क्रिकेट का भी शौक रखते हैं। इनकी वालदा का कहना है कि ये बहुत मेहनत करते हैं और नाथवानी में अपना बड़ा नाम बनाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बेटा अब्दुल रहमान बहुत अच्छा है, माशाल्लाह बहुत छोटी उम्र से नात पढ़ता है, बहुत अपने घर वालों का, अपने बहन भाइयों का ख्याल करता है। मेरा बच्चा बहुत अच्छी नात पढ़ता है, मैं यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा समा की आवाज़ बने। नात खानी के अलावा मुस्तकबिल में आईटी के शोबे से भी वाबस्ता होना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बेटा अब्दुर्रहमान जो है मेरा बेटा है और नात खानी से बेहतर शौक रखता है और इस शौक को देखते हुए उसने समा उसने ऑडिशन दिया और वो कामयाब हुआ है। अब देखना ये है कि अब्दुर्रहमान अपना ख्वाब पूरा कर पाएंगे या नहीं। अब्दुर्रहमान बेहतरीन 32 आवाज़ों में तो शामिल हो चुके हैं, लेकिन इनकी आज की परफॉर्मेंस हमारे जजेस को मुतासिर कर पाएगी या नहीं, आइए देखते हैं। इनकी आईडी है 009। मेरा तो का हर
मुझको मिला पता तेरा मौजदा हुसैन सौत का मौजदा हुसैन सौत का जमजमाए सदा तेरा दिल में उतरते हर्फ से ए मेरे शाह शर तेरे बंदे तेरे खुदा तेरा अर्ज तेरी समा तेरे बंदे तेरे को मिला पता तेरा सुभान अल्लाह। अब्दुल रहमान, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, इतनी खूबसूरत आवाज़ है, आपकी तारीफ भी कर दूं, साथ साथ मुझे ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैट्रिक में। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके भाई जो जिनसे आप सीखते हैं, बिलाल भाई, वो भी मौजूद है, फैमिली भी मौजूद है इनकी। अगर इजाज़त हो तो हम बुलाएं इनके भाई को। भाई तशरीफ़ लेके आए इधर। आओ बेटा इधर आओ, प्लीज़ आए। अच्छा, तो भाई से सीखा है तो कभी इस तरह होता है सिखाने में, इधर आए, तशरीफ लाए। हमारा ख्याल था भाई आएगा तो सफेद बालों वाला कोई बड़ा सा आदमी होगा, वो भी छोटा भाई खुद। अच्छा, भाई भी पढ़ते हैं, मुझे माइक भी चाहिए होगा, आप भी आ जाओ, इधर आ जाओ। भाई आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सेकेंड ईयर में। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप जब सिखाते हैं तो कोई मार वार भी पड़ती है कि नहीं? नहीं नहीं, इसमें मार की जरूरत नहीं। अच्छा, मार की जरूरत नहीं है, सुबह अच्छा। और अभी कैसा आपको लगा कि कैसा पढ़ा है इन्होंने? माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है, जैसी उम्मीद करा था।
चलें ठीक है, फिर आपने मेरे साथ मिलके बोलना है, आवाम से दरख्वास्त करनी है कि इनको वोट करें। वोट करने का तरीका है BSK स्पेस इनका नाम, इनका ID नंबर है 008 और भेज दीजिए 8126 पर, सॉरी 009 है इनका ID कोड, और भेज दीजिए 8126 पर, और इंशाल्लाह हमारी दुआएं साथ हैं। बिलाल भाई अगर आपकी इजाज़त हो हमें एक छोटे से ब्रेक पे जाना है, फिर हमारे सेकंड कंटेस्टेंट भी यहाँ पे मौजूद होंगे। तो नाज़रीन आप लोग कहीं मत जाइएगा, हम लोग थोड़ी ही देर में वापस आते हैं। बॉल की तरफ से ये गाड़ी, और हमारे साथ मौजूद हैं उमे कुलसुम। कैसी हो उमे कुलसुम? ठीक ठाक? नर्वस हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है ना? हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम सब की दुआएं तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? अच्छा उमे कुलसुम की खूबसूरत आवाज़ सुनने से पहले हम चलकर देखते हैं इनका छोटा सा पैकेज और फिर सुनेंगे इनकी खूबसूरत सी आवाज़। हमारी आज की बनो समा की आवाज की कंटेस्टेंट है उमे कुलसुम, जिनका ताल्लुक कराची से है। 15 साल उमे कुलसुम नवी जमात की तालबा हैं और पेंटिंग का शौक रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमे कुलसुम है, मैं 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है, मुझे नात खानी का बहुत शौक है। मैं 8 साल से ही नात खानी कर रही हूँ। मैं बनो समा की आवाज में सेलेक्ट हो चुकी हूँ और इंशाल्लाह मैं यहाँ से जीत कर ही निकलूंगी। पेंटिंग के शौक के साथ साथ अपने घर के काम काज में अपनी वालदा का हाथ भी बटाती हैं। मेरे साथ भी बहुत हेल्प करती है, मैं सारा दिन कपड़े सिलाई करती हूँ और जो भी अपनी बेटी को बोलती हूँ वो फौरन मेरा कहना मानती है। नात पढ़ने और सीखने का जोश इन्हें आज इस प्लेटफॉर्म तक लेकर आया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मे कुलसुम का पप्पा हूँ और मेरी बेटी बनो समा की आवाज़ में सेलेक्ट हो चुकी है और हम बहुत पुरउम्मीद हैं कि वो बनो समा की आवाज़ में सेलेक्ट होगी। उमे कुलसुम इस मुकाबले में कहां तक जाएंगी ये इनकी मेहनत पर मुनासिर है। उमे कुलसुम इन 32 खूबसूरत आवाज़ों में तो शामिल हो गई हैं, लेकिन अब इनकी मेहनत और लगन पर मुनासिर है कि ये इसमें फाते बन पाएंगी या नहीं। इंशाल्लाह ताला बनो समा की आवाज़ में ही बनूंगी। इनकी आईडी है 010। मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। लेकिन मेरी मैं तो बुरा हूँ, लेकिन मेरी लाज है किसके हाथ न पूछो,
उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। उम्मे कुलसुम की अम्मी के साथ मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, कैसा आपको लग रहा है इस वक्त कि कैसा उन्होंने पढ़ा? मेरी नज़र में तो बहुत अच्छा पढ़ा, और आगे अल्लाह की मर्ज़ी। आगे अल्लाह की मर्ज़ी है, बिल्कुल वो तो है बेशक। और वालिद साहब भी मौजूद हैं, आप बताएं कैसा फील हो रहा है आपको कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपनी बेटी को इस तरह देखते हुए, इतनी खूबसूरत आवाज़ उन्होंने उनकी है, क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह बहुत अच्छा, मेरी नज़र में ठीक पढ़ा है, बाकी आगे तो एक बार फिर अपनी आवाम से भी बोल दें कि जल्दी जल्दी वोट कर दें। हाँ, हाँ? प्लीज़ मेरी बेटी को 010 पे अगर हो सके तो, अगर 0101 नहीं है 010 010 पे अगर आपको उसकी आवाज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वोट कीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं एक और बार तरीका बता दूं, आप लोगों ने टाइप करना है अपने सेल फोन पे BSKA स्पेस उम्मे कुलसुम, उनका आईडी नंबर है 010 यानी 10, और भेज दीजिए 8126 पर। बिलाल भाई आप बताएं कैसी लगी आप उनकी, आपको उनकी आवाज़? मैं तो उन जजेस को, आज क्योंकि जजेस नहीं है तो नहीं मैं उनकी गैर मौजूदगी में बात कैसे, तो मुझे नहीं पता वो किस दिल से क्रिटिसाइज करते हैं बच्चों को, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि उनको शर्म करनी चाहिए, बच्चों को बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जो बच्चे यहाँ तक आ जाते हैं, पहली बात तो ये कि एक प्रोसेस से आए, फिर ये बच्चे जो है, देखिए अगर एक 15 साल की बच्ची और या एक 15 साल का लड़का जो है वो नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हम्द पढ़ता है आके, ये वो कल्चर है जो कि हमें प्रमोट करना चाहिए, बजाय इसके कि ये बच्चे जो है ये कॉफी शॉप्स में जाके शामें गुजारे, ये माँ बाप बैठ के उनको रात को शाम को उनको तरबियत दें, ये मसरूफियत का कल्चर है जो कि हमें डेवलप करना चाहिए। इसलिए मेरी तरफ से जो बच्चा यहाँ पहुँच गया, मेरी तरफ से बनो समा की आवाज़ है वो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी, मारुख और हिना भी मौजूद हैं, क्योंकि उन्होंने नात पढ़ी, तो जल्दी जल्दी से मैं चाहूँगी कि आप लोग आप अपने दोनों कंटेस्टेंट के बारे में कुछ अगर बोल सकें। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा उम्मे कुलसुम ने, और इसकी वॉइस क्वालिटी बहुत प्यारी है माशाल्लाह, पिच भी है, वाकई रेंज बहुत है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा फील हुआ था कि ऑफ हो गई थी ये थोड़ा सा स्केल से, बाकी बहुत अच्छा पढ़ा और बहुत खूबसूरत आवाज़ है। बाकी मारूफ ने जैसे कहा कि बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छी वॉइस क्वालिटी है और बहुत अच्छी रेंज है आवाज़ की, और कोशिश करो तो इंशाल्लाह आगे तक जाओगी, और हमारी दुआएं दोनों बच्चों के लिए। बिल्कुल, कैसी खूबसूरत बात है, 2 साल पहले ये बच्चियां जो थी ये बच्चियां थी, आज ये उस्तादजा बन गई और कमेंट कर रही है माशाल्लाह ताला, ये समा का प्लेटफॉर्म जो है ये अल्लाह ताला इसको इसी तरह इज्जत दे और बरकरार रखे। आमीन 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 सुमारू, आमीन सुमारू। अच्छा इजाज़त हो तो एक बिल्कुल जी बिल्कुल रैप अप कर लो। पहली बात तो ये ख़वातीन हज़रात के इंशाल्लाह ताला शाम को जब आपसे मुलाकात होगी तो इसी मौजू को मैं कंटिन्यू करूँगा, वो इसलिए कि तिश्नगी जो है वो ना सिर्फ कि ये कि ख़त्म नहीं हुई बल्कि आग जो है वो और लगा दी गई। आज बहुत दिनों के बाद, बहुत अरसों के बाद, बहुत सालों के बाद ऐसे दो उस्तादजा के साथ बैठा जिनके साथ एक भाई की मोहब्बत भी मिली, जिनसे एक उस्ताद के इल्म की गर्मी भी महसूस हुई और एक बाप की शफकत जो है वो भी महसूस हुई। मैंने अपने दोनों मेहमानों को सारा वक्त यहाँ पे बिठाया इसलिए कि इनको शहादत बनाकर आपसे एक बात अर्ज़ करता चला जाऊँ आपकी इजाज़त के साथ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जो हैं वो हतीम में सोए हुए थे और रवायत कहती है कि फ़तवा किया करते थे, काजी थे अपने वक्त के, तो एक शख्स जो है वो तवाफ़ करने आया खाना काबा का, और तवाफ़ करते हुए जिस तरह यहाँ पे मक्खियाँ, उसके भी हाथ पे मक्खी बैठी, उसने हाथ मारा और मक्खी जो है वो उसके हाथ पे मर गई। तो उसने देखा कि काजी वक्त जो है हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद जो है वो सोए हुए हैं हतीम में, तो उन्होंने उसने उठाया उनको और उठा के कहता है कि हज़रत मैं तवाफ़ कर रहा था तो ये मक्खी मेरे हाथ पे बैठी, मेरे हाथ ने मारा इसको, रिफ्लेक्स हुआ मेरा तो मक्खी मर गई, तो फरमाइए इसका कफ़ारा क्या होगा। हज़रत अब उमर के बेटे हैं बाहर आए, उससे पूछा कि तू कहाँ का रहने वाला है, उसने कहा मैं इराक़ से आया हूँ। कहा इराक़ तो बहुत बड़ा है, तू इराक़ से कहाँ से आया? कहते हैं मैं कूफा से आया हूँ। जब कूफा का नाम सुना तो कूफा वो शहर है जो कि हज़रत उमर ख़त्ताब ने ख़ुद आबाद किया था, और कूफा की बेवफाई जो है वो आज तक तारीख में मशहूर है। जब ये उसने कहा मैं कूफा से आया हूँ तो हज़रत अब्दुल्ला जो है वो बाहर निकल आए और उसका कंधा पकड़ा और कहा कि बदनसीब, जब तुम लोगों ने इमाम हुसैन का खून बहाया था
तो तुम में से मेरे से कोई फतवा लेने नहीं आया कि इसका कफारा क्या होगा। आज तुमने मक्खी मार दी और तुम मुझसे कफारा पूछने आए हो। और यहाँ पर बिलाल भाई एक जुमला मुझे और कहने की इजाज़त दीजिए, आपने आज क्योंकि उलमा के किरदार पर बात की और उलमाए सू और उलमाए हक के दरमियान फ़र्क वाज़े करने की कोशिश की, तो हमें यकीनन वो कैरेक्टर तारीख का ज़रूर याद आएगा कि जिसने इमाम अली मकाम सैयद शहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल के फतवे पर दस्तखत किए थे और तस्दीक की थी, और जिसकी वजह से वो भोले भाले बहुत सारे अफराद ऐसे थे, सादो लोग नादान जो नहीं जानते थे कि नवासे रसूल इमाम अली मकाम के लिए वो जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पर उस कैरेक्टर को याद करना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल याद करना चाहिए। और मैं अदब के साथ ये मैंने आपसे हकायत सिर्फ इसलिए शेयर की कि मुझे ऐसा लगता है, और मैं ये बात जो है पूरे सच्चे दिल से कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि आज भी जो हम हैं ना वो सिर्फ इस मक्खी के कफ़ारे को ही ढूँढ रहे हैं, और वही मुफ्ती ढूँढ रहे हैं जो कि हमें इस मक्खी के कफ़ारे का जो बदला है वो बता सके। अगर आज इस वक्त क़यामत बरपा हो जाए और खुदा ताला जो है वो हमारे सामने हो और हमसे पूछा जाए कि बिलाल कुतुब तुम्हारे कंधों पे बड़ा ज़िम्मा डाला गया था, तुम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया था कि तुम अल्लाह और दीन की बात को सच्चे तरीके से आगे फैलाओ, और तुमने क्या किया, तो खुदा की कसम सवाए शर्मिंदगी के बिलाल कुतुब के पास और कुछ नहीं होगा। इसकी माफ़ी मैं आज भी मांगता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला ये वादा और ये दुआ कि अल्लाह ताला हमें मौका दे और हमें इतना ज़र्फ़ दे कि हम खुदा की जब बात करें तो उसको खालिस खुदा रसूल की खुशी और उनके लिए दुश्मनी भी उनके लिए करें और दोस्ती भी उनके लिए करें। हमारे अंदर जो एक कमर्शियल एलिमेंट इतना ज़्यादा घुस गया है, खुदा करे कि ये आहिस्ता आहिस्ता से ही ये हमारे दिलों से भी और हमारे दिमागों से भी अल्लाह रुख्सत कर दे। इंशाल्लाह ताला मारुख आप नाक पे इस मामले बस मारुख की नाक से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे सारे मोहतरम गेस्ट का, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने का। और जाते जाते जुम्मा का आज पहला रोज़ा है, एक बार फिर आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। जी मारुख आइए। कोई नबी नहीं है, कोई नबी नहीं है, मेरे मुस्तफा हर इंतहा